हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए अपनी लेक्चर सीरीज, जहाँ पे हम लोग आपके साथ पुराने वर्षों के यूपीएससी के मेंस पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, उसी के तहत लाए हैं वर्ष 2018 के GS3 का डिस्कशन। हम लोग GS1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा आखिरी पार्ट रहेगा GS3 का, और उसके बाद हम एक अलग से मॉड्यूल लेंगे पूरे एथिक्स का, जिसमें हम लोग आपके साथ 2013 वर्ष से लेकर 2018 वर्ष तक सभी वर्षों के एथिक्स के पेपर थरली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो हमने 2013 से अप्रोच फॉलो की है, उसमें हमने कंसिस्टेंटली सेम आंसर राइटिंग का तरीका रखा है, जिससे वो अप्रोच लगातार देख देख के आपके मन में वो अप्रोच छप जाए, और अगली बार जब आप अपना मेंस का आंसर तैयार करें, जब भी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, तो वही अप्रोच आप फॉलो करें। हर एक सवाल अपने अंदर कई छोटे छोटे सवालों को लिया होता है, उन सवालों को छोटे भागों में तोड़ना, हर एक भाग कुछ ना कुछ डिमांड भी लिए होता है, तो उस डिमांड को समझना और उसी अनुसार अपना आंसर तैयार करना, ये रही है हमारी अप्रोच। और ये सबसे इफेक्टिव अप्रोच मेरे हिसाब से साबित होती है, क्योंकि इससे होता यह है कि आप क्वेश्चन का कोई भी भाग स्किप नहीं करते, कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करते। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगर आपने बीच में कोई वीडियो मिस करे हो तो वो देखिए। हमने आंसर राइटिंग के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे भी बहुत ध्यान दिया है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए उसके बाद आप आंसर तो अपने आप बना पाएंगे, लेकिन जो नींव है वो होती है कॉन्सेप्ट, तो हमने वहां पे आपका ध्यान दिया है। तो प्लीज सभी वीडियो देखें और उससे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, अपने आंसर्स को बेहतर बनाएं। ये जो लेक्चर है, इसकी PDF हम लोग अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो टेलीग्राम पे चैनल है उस पे शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो होगी ये बिल्कुल फ्री में होगी, आप बस करें ये कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और उस पे जो भी हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं उनका लाभ उठाएं। उसके अलावा हम लोग कुछ अपने पेड ग्रुप्स भी चलाते हैं, वहाँ पर हम लोग आपको अलग से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और टीचर से वन टू वन इंटरेक्ट करने का मौका भी देते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो ये दो नंबर दिए गए हैं, आप इस पे फोन करें, आप संपर्क करें और हम आपका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हर बार की तरह अपने रिवीजन के साथ, क्योंकि रिवीजन जो है वो होती है हमारी नींव, और नींव जितनी मजबूत होगी उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो उतना ही अच्छा दिखेगा। तो देखिए, आंसर राइटिंग में उतरने से पहले सबसे जरूरी है मैं जानूं बेसिक अप्रोच, सही अप्रोच। तो सही अप्रोच कैसे मिलती है? ये मिलती है कीवर्ड के थ्रू। अब भाई, ये कीवर्ड कहाँ मिलेगा? कीवर्ड मिलेगा सवाल में। हर एक क्वेश्चन ज्यादातर एक कीवर्ड लिए हुए होता है, उस कीवर्ड को देखते हैं, उसके अनुसार आपको अपना कंटेंट तैयार करना होता है। इस कंटेंट के बिना पे फिर आप सोचते हैं कि हम इसको अरेंज कैसे करें। अरेंजमेंट से मेरा मतलब है कंटेंट का कुछ भाग ऐसा होगा जिसको आपको विस्तार में डिस्कस करना होगा, थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको आपको पासिंग रेफरेंस देनी होगी कि भैया आपने बता दिया ऐसा ऐसा भी होता है, लेकिन उसके बारे में विस्तार में चर्चा नहीं करनी, और कुछ पॉइंट होंगे जिनका सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन करना होगा। तो कौन सा भाग कहाँ लगाएं, किस तरीके से अरेंज करें, ये सब आपका आता है इस वाले पार्ट में, जो कि है अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, और इन सभी भाग पे अभी हम ध्यान देंगे अपने आंसर लिखते वक्त। फिर तीसरी बात आती है टाइम का मैनेजमेंट। तो दोस्तों, यूपीएससी में आपके पास हर एक सवाल के लिए 7 से 8 मिनट होते हैं बस। अगर आप सवाल को इस टाइम रहते अटेम्प्ट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो हर एक सवाल के लिए आपके पास भरपूर समय बचेगा। अगर आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो बाद के सवाल आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। अब भाई, ये सब चीज़ें देख तो ली, लेकिन इस टाइम के अंदर सब कुछ लिखे कैसे? तो उसका तरीका है ये, अगर क्वेश्चन आपसे 200 वर्ड की डिमांड करता है तो कोशिश करें आप उसको 170 से 180 में ही निपटा दें। फ़ायदा होगा, 20 शब्द लिखने का जो टाइम आपने यहाँ सेव किया है, ऐसे ही आप जब हर एक क्वेश्चन का टाइम ऐड अप करेंगे तो अंत में आपके पास एक से दो सवाल एक्स्ट्रा करने का भरपूर समय मिल जाएगा, और उससे आप एक एक्स्ट्रा एडवांटेज पे हो पाएंगे। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए, और उसके बाद हम देखते हैं आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी आंसर लिखने से पहले भाई सबसे ज़रूरी है सवाल की नीड को समझना। सवाल आपसे आखिर क्या मांग रहा है? सवाल मुझसे कुछ और पूछ रहा है, मैंने कुछ और आंसर लिख दिया तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि सवाल की आप नीड को समझें। ये नीड कैसे समझेंगे आप? ये होती है कीवर्ड के थ्रू। कीवर्ड यानी कि क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, इलेबोरेट, ऐसे ही आपका कमेंट होगा,
उसी तरीके से आपका एक और कीवर्ड है इलूसिडेट, और ऐसे ही काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे जैसे आप सवाल करेंगे, आपका कीवर्ड से सामना होगा, हम आपको उनको टैकल करना सिखाएंगे। अब भाई कीवर्ड आपने देख लिया, तो आंसर अब आप स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें। देखिए, सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि बैकग्राउंड, यानी कि झलक, जिसमें आप ज़्यादातर परिभाषा दे देते हैं, साथ में उसका ईयर मेंशन कर देते हैं, और अगर आपको इनमें से कुछ नहीं आता तो फिर आप अभी क्या हालात चल रहे हैं इस बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर सम अप करके बोलूं तो ये आपके आंसर का बैकग्राउंड होता है कि मैं इस बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, ये इसकी इवोल्यूशन था, ये इसका ग्रोथ था, और अब मैं इसके बारे में अच्छे से विस्तार से बात करूंगा। फिर आती है बॉडी, जो कि बॉडी है वो आपका मेन वर्किंग एरिया है दोस्तों। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट अपना अच्छे से रखना है, इनोवेशन दिखाना है, क्रिएटिविटी दिखानी है, और ज़रूर आप यहाँ पे सबूतों का इस्तेमाल करें। सबूत यानी कि आपके पास कोई फैक्ट मौजूद हो, कोई ऐसे तथ्य हो जो आपकी बात को प्रूव कर पाएं, कोई रिपोर्ट्स हो, कोई जजमेंट्स हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि देश में गरीबी बड़ी है, तो मेरे पास कुछ फैक्ट्स हों जो ये दिखाते हों, हाँ भाई कि 1991 में इतनी गरीबी थी, 2001 में इतनी हो गई, और 2011 में देखें तो और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये मैंने फैक्ट दिखा दिए, मैंने ट्रेंड दिखाए, जो मैंने समझ लीजिए सेंसस का डेटा लिया, तो उससे क्या हुआ, जो भी आपने बात रखी है उस पे वजन आ गया, उसको बैकिंग मिल गई, उसका एक आधार बन गया, जिससे कि वो बात अब और ज़्यादा मजबूत बन गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आप मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ कंक्लूजन पे। देखिए, ये होता है आपका फिनिशिंग टच, यानी कि जब आप अपनी पूरी बात कह चुके हैं तो अंत में आपको एक बढ़िया तरीके से फिनिशिंग टच देना है। ये जो फिनिशिंग टच होना चाहिए, आप कोशिश करें कि आप बैलेंस्ड रहें, ना तो आप किसी एक तरफ झुकाव दर्शाएं, जैसे कि ना तो आप आलोचक बने ना ही आप समर्थक बने किसी भी चीज़ के। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें बैलेंस्ड रखें। उसके अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, सकारात्मक अप्रोच अपनाना। आप किसी भी चीज़ की समस्याओं को डिस्कस करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अंत में आप एक सकारात्मक नोट पे एंड करें। आप बोलें कि भाई अगर ये चेंजेस कर दिए जाएं तो आने वाले समय में ये चीज़ अच्छी हमारे सामने उभर के आ सकती है। तो यानी कि सकारात्मक नोट पे एंड करें, और अगर आपने कोई समस्या का वर्णन किया है तो यहाँ पे एक समाधान भी ज़रूर दें। इससे आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर के तौर पे इमर्ज होता है। फिर उसके बाद बात आती है कि स्ट्रक्चर भी समझ लिया, तो अब उसमें हम अपने आंसर या अपना कंटेंट कैसे भरें। तो इसके तरीके होते हैं दो, एक होता है पैराग्राफ में और एक होता है पॉइंट में। पैराग्राफ में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका आंसर दिखेगा, जिसमें ये होगा आपका इंट्रोडक्शन, ये होगी आपकी बॉडी, और ये होगा आपका कंक्लूजन। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जो आपका पहला शब्द है, जब कोई भी आपका आंसर पढ़े तो वो वहाँ से अंत तक बिल्कुल बहता चला जाए। यानी कि उसको ये ना लगे कि ये अलग टुकड़ा रखा है, ये अलग टुकड़ा रखा है, और ये अलग टुकड़ा रखा है, और इन टुकड़ों के आपस में कोई भी संबंध नहीं है। इस तरीके का आंसर यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको एक डेटा फ्लो स्थापित करना होगा, और वो आप कर सकते हैं कुछ शब्दों की मदद से, जैसे कि मोरोवर, हाउएवर, ऑल्सो, फर्दर। इंट्रोडक्शन में आप जिस छोर पे अपनी बात छोड़ें, बॉडी में उसी छोर को पकड़ के रखें, जिससे कि कनेक्ट दिखेगा। फिर अगर हम बात करें पॉइंट्स में लिखने की, तो ये भी बिल्कुल सही अप्रोच है। इसमें बस ध्यान रखना होता है सब हेडिंग्स लिखने का, और वो सब हेडिंग आती है हमारे सवाल से। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सबसे पहले आप बताइए कि किसी चीज़ के क्या इम्पैक्ट होंगे, तो पहली सब हेडिंग आप लिख सकते हैं इम्पैक्ट, और फिर उसके अंदर अपने पॉइंट्स लिखें। और फिर दूसरी सब हेडिंग अगर वो आपसे पूछता है क्या इवोल्यूशन होगा उसका, तो आप दूसरा लिखें इवोल्यूशन, और इसके अंदर अपना कंटेंट भरें। तो यानी कि मैंने जो अपनी सब हेडिंग है इनको अलाइन कर लिया अपने सवाल के अनुसार, तो उससे जो भी आपका आंसर पड़ता है उसको आसानी से चीज़ें पकड़ में आती हैं, और आपको मार्क्स देने में वो किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ता। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रख के आइए शुरू करते हैं हम अपने आज का पेपर, जो कि है वर्ष 2018 का GS3। तो दोस्तों, इसमें जो पहला सवाल है ये है एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। सवाल कह रहा है कि भाई क्या अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल एनर्जी, जो कि मॉडर्न है, ज़रूरी है, अनिवार्य है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। आपको बताना है भारत ने इस पे कितनी ज़्यादा अभी तक प्रोग्रेस की है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बात कर सकते हैं, और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है आप इसको थोड़ा सा चर्चा करें, और यहाँ बताएं किस तरीके से जो एनर्जी है वो ज़रूरी है हमारी प्रोग्रेस के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, इकोनॉमी के लिए।
अगर आप शुरू करना चाहें तो यहाँ पे आप डेटाज के साथ शुरू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई 300 मिलियन भारतीय लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास बिजली की सुविधा नहीं है, 500 मिलियन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी बायोमास पे डिपेंड करते हैं कुकिंग के लिए। जब सरकार एलपीजी बांटने की स्कीम चला रही है उसके बाद भी ये लोग कुकिंग के लिए बायोमास पे ही डिपेंड करते हैं। इस बायोमास की वजह से बहुत ज़्यादा इंडोर पोल्यूशन और भी अलग-अलग बीमारियां होती हैं जिससे ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ग्रसित हैं। फिर आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि भाई एनर्जी की कमी के चलते जो हम लोगों का सोशल डेवलपमेंट है, हम लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और हम लोगों का पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये सब रुक जाता है, ये सब पीछे हो जाता है। तो ये आपने पहले पार्ट को एड्रेस किया। फिर उसके बाद इंडिया की प्रोग्रेस दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आप भारत ने जो जो स्कीम्स चला रखी हैं उन स्कीम की यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे कि एक हो सकता है आप मिनिस्ट्री वाइज डिस्क्रिप्शन दें, अलग अलग मिनिस्ट्री लिख दें और उसमें जो जो स्कीम है एनर्जी से संबंधित उसके बारे में बताएं। या फिर अगर ऐसा ना हो तो आप बस अफोर्डेबल चीज़ को पकड़ें, रिलायबल को पकड़ें और सस्टेनेबल को पकड़ें, और फिर इन तीनों वर्ड के अंदर आप कुछ स्कीमें लिख दें। स्कीम जैसे कि पहल सरकार ने शुरू की थी, उसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी, उसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा शुरू की है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की है, उजाला स्कीम्स शुरू की है जिसके तहत एलईडी कनेक्शन देते हैं, एलईडी बल्ब बांटते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे स्कीम्स का जिक्र करके शुरू कर सकते हैं। अब अगर मैं अप्रोच की बात करूँ, सबसे पहले एसडीजी के बारे में लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने तीन चार तरीके आपको बता दिए, जो आपको सही लगे, जो आपको अपने हिसाब से परफेक्ट लगे वो आप तरीका अपना सकते हैं। एसडीजी के बारे में बात करें या फिर फैक्ट से शुरू करें, डेटा से शुरू करें और ये बताएं किस तरीके से एनर्जी अनिवार्य है हमारे हर एक डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एनर्जी की ग्रोथ लिख सकते हैं भारत में, रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ तक गई है, उसके अलावा हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एनर्जी को सफिशियंटली अफोर्डेबल बनाने के लिए, उसके अलावा क्या चैलेंजेस अभी भी हमारे सामने हैं और क्या अप्रोच हमको फॉलो करनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक इमेज लगा दी है, इसमें सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए हैं। इससे क्या है, आप बेसिक एक याद रख सकते हैं कि ये गोल इस चीज़ से रिलेटेड है, और अगर आप एग्जाम में मेंशन करना चाहें तो आप भले ही ये कर सकते हैं कि भाई जो पहला गोल है वो पॉवर्टी से डील करता है। अगर आपको पूरी अंदर की चीज़ें नहीं भी पता तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी आपको आंसर को मजबूत बनाने में यहाँ से मदद मिलेगी। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने कहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो यूएन ने अडॉप्ट किए थे, एक ब्लूप्रिंट है ये, और ये जो अडॉप्ट किए गए थे वो किसके अंदर थे, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और क्यों थे, जिससे कि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए फ्यूचर सिक्योर कर सकें, यानी कि सस्टेनेबल फ्यूचर ला सकें सभी के लिए। फिर बात करता हूँ मैं एनर्जी ग्रोथ पे। देखिए एनर्जी जो है वो संबंधित है हमारी वेलबींग से, हमारी प्रॉस्पेरिटी से, और ये पूरे विश्व के अगर आप नज़रिए से देखें तो ये सभी के लिए सेम चीज़ है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ में एक और आयरनी ये है कि आज आपको एनर्जी की डिमांड मीट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हमने एनर्जी को कनेक्ट कर दिया, देख लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ से, सोशल इक्विटी से, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी से, यानी कि एक जो एनर्जी है वो बहुत सारे फैक्टर्स से जुड़ी हुई है। फिर मैंने सातवें एसडीजी की बात की है यहाँ पे, जो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी से डील करता है। क्लीन एनर्जी से मेरा मतलब है ऐसी एनर्जी जो आपके पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, यानी कि आपकी सोलर, विंड और थर्मल एनर्जी। और अगर आपको एनर्जी की एफिशिएंसी और उसकी अफोर्डेबिलिटी को अचीव करना है तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होगा। भारत में जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है उसकी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन भारत से ही आ रहा है, भारत बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है एनर्जी की। तो ऐसे में कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं स्टेप्स। यहाँ पे मैंने कुछ हद तक ये बताया है कि भारत के पास रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल तो है, यहाँ पे हमारे पास विंड का भी है, सोलर का भी है, बायोमास का भी है और स्मॉल हाइड्रो का भी है। आप चाहें तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो 175 गीगावाट है उसकी बात भी कर सकते हैं। फिर भारत ने क्या स्टेप्स लिए हैं, भारत ने ये तय किया है कि भाई 40% हम जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स से करेंगे 2030 तक, और ये हमने पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर जो हमारे खुद के INDC हैं उसके तहत सेट किए हैं।
उसके अलावा हमने रूरल में क्लीन एनर्जी पहुंचाने की काफ़ी कोशिश की है। ग्रामीण इलाकों में हमने कोशिश की है कि वहाँ पे एनर्जी पहुंच पाए और जो एनर्जी पहुंचे वो क्लीन एनर्जी हो। हमने नेशनल सोलर मिशन चलाया है जिसमें हम लोग 2 करोड़ करीब सोलर लाइटनिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रख रहे हैं, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे जो कैरोसिन लैंप हो उसको हम रिप्लेस कर लें, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में क्लीन एनर्जी की सुविधा प्रोवाइड कराई जा सके। उसके अलावा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। 40 गीगावाट का हमने रूफटॉप के केस में एक टारगेट सेट किया है 2022 तक जो हमको अचीव करना है, और इससे हमने सोचा है हम करेंगे क्या, हम 6 करोड़ टन जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं उसको रोक देंगे क्योंकि हम सोलर पे स्विच कर लेंगे। तो ये इंडिया के कुछ स्टेप्स थे। आप चाहें तो मैंने आपको जो स्कीम्स बताई उनका भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीम है। ये क्वेश्चन बहुत वाइड है, आप चाहें जितने एंगल्स से इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 अप्रोचेस बता दी, जो आपको सही लगे वो अप्रोच अपनाएं। फिर भाई चैलेंजेस क्या हैं सस्टेनेबल गोल को अचीव करने में? सबसे पहली बात है कि सोलर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, इसीलिए ग्रामीण में लोग काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा कॉस्ट हम लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। अगर आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है तो आपको वहाँ पे रूरल की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने पे फोकस करना पड़ेगा। एनर्जी एफिशिएंसी हमको अचीव करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में, तभी भारत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। जो रूफटॉप सोलर की एनुअल ग्रोथ है अगर हम उसको देखें तो करीब वो 117% हो गई है 13 से 17 के बीच में, लेकिन वहीं पे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत सिर्फ 3% पे है अपने गोल को हिट करने पे। तो यानी कि ये समस्या है, हमको और ज़्यादा उसमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे देश में फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत जगह हैं, उन चैलेंजेस को मीट करने की ज़रूरत है। विंड और सोलर का और ज़्यादा प्रमोशन करें और इसको अफोर्डेबल बनाएं तो अपने आप ही ये एक्सेसिबल बनने की तरफ चल देगी। फिर होना क्या चाहिए, एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो सभी लेवल पे चीज़ों को डील करे, ग्लोबल और साथ साथ लोकल भी। सरकार की एजेंसीज को साथ में वर्क करना चाहिए, जो कोई भी मिनिस्ट्री है जो कोई पर्टिकुलर स्कीम चला रही है क्लीन एनर्जी के संबंधित, तो केंद्र को और स्टेट्स को उसकी मदद करनी चाहिए वो स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में। और अगर आप लोकल्स को और स्टेट लेवल एजेंसीज को साथ में मिला लेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है बजट 2018-19 से। सवाल कह रहा है कि दो नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे टैक्स के ऊपर, एक था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एक और था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इन दोनों के बारे में आपको बात करनी है और क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो बजट में इंट्रोड्यूस किए गए। कमेंट इसमें कीवर्ड है तो आपको मुद्दे को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में चर्चा करनी है। दो भाग में ये सवाल टूटता है, यूनियन बजट 2018-19 के संदर्भ में बात करनी है और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इन दोनों में क्या क्या चेंजेस आए इस बजट के तहत, उस पर आपको चर्चा करनी है। तो देखिए अप्रोच आपकी रहेगी, शुरुआत में टैक्सेस के बारे में बताएं, फिर दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं और अल्टीमेटली आप बताएं क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में दोस्तों मैंने लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स सरकार ने अभी रीइंट्रोड्यूस किया अपने 2018-19 बजट में, और ये स्टॉक्स पे किया गया था। इन्वेस्टर्स को अब 10% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर 1 लाख रुपए से एक्सीड करते हैं वो, जब कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं किसी भी शेयर के, माफ कीजिएगा, किसी भी शेयर की सेलिंग पे जो उन्होंने 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर रखा हो। अभी तक होता ये था कि अगर आपने कोई भी शेयर या फिर म्यूचुअल फंड की इक्विटी पकड़ रखी है, होल्ड कर रखी है 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, तो उस पर किसी भी तरीके का जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता था। लेकिन फिर उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा कि भाई जो इससे गेन है वो करीब 3.6 लाख करोड़ करीब हो रहे हैं पर साल के, और मोस्टली जो है ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास जा रहे हैं, तो इन पे तो टैक्स लगाना ज़रूरी है। और अगर इन पे टैक्स लगा दिया गया तो सरकार के जो फिजल रिसोर्सेज हैं, सरकार की जो तिजोरी है, उसमें पैसा ज़्यादा आएगा और सरकार उससे ज़्यादा पैसा डाइवर्ट कर पाएगी सोशल सेक्टर की तरफ, हेल्थ और एजुकेशन की तरफ। तो इसीलिए इसमें नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए
और उन चेंजेस के अनुसार अभी हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो चीज़ों की डिस्क्रिप्शन दे दिया है। देखिए डीडीटी क्या है, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स क्या है। सबसे पहले मैं डीडीटी की बात करता हूँ। समझ लीजिए ये एक कंपनी है और ये इसका शेयर होल्डर है, इसने कुछ शेयर होल्ड कर रखा है कंपनी में। तो जो कंपनी साल भर में प्रॉफिट बनाएगी उस पे कंपनी इसको कुछ डिविडेंड देगी, और ये जो डिविडेंड कंपनी देगी इस डिविडेंड के ऊपर लगने वाला टैक्स हम लोग कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स क्या है, इसमें तो अगर आपने कोई चीज कोई कैपिटल होल्ड कर रखा है और काफी समय तक होल्ड कर रखा है, तो उसके बाद अगर आप जब उसको बेचेंगे तो समझ लीजिए जब आपने खरीदा था 10 रुपए का था, जब बेचा तो 100 रुपए का था, तो आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 90 रुपए का। तो इस 90 रुपए के ऊपर सरकार आपसे टैक्स लेगी, इसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स। तो अब देखते हैं क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। देखिए बजट ने प्रपोज किया है कि हम डीडीटी को लाएंगे अगर आप म्यूचुअल फंड में कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और ये जो टैक्स है ये करीब 10% रखा जाएगा, जिससे एक लेवल फील्ड मिलेगा सभी ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स को और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्कीम्स को। अब क्योंकि आपका कुछ पैसा टैक्स के तौर पर सरकार लेगी तो आपके हाथ में कम पैसा आएगा, तो इन हैंड जो रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर्स को वो कम मिलेगा अगर उन्होंने डीडीटी वाले ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर रखा है। अगर हम बात करें फंड हाउसेस की, तो उनको भी डिडक्ट करना पड़ेगा डीडीटी बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की अगर हम बात करें, तो पहले ये म्यूचुअल फंड अगर आपने 12 साल से ऊपर होल्ड कर रखा हो कोई इक्विटी या कोई शेयर, तो उस पर नहीं लगता था। लेकिन अब सरकार ने प्रपोज किया है क्योंकि इसका ज़्यादातर पैसा जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास जाता है और हमारी गरीब जनता के पास नहीं आता, तो इस पर टैक्स लगाने में कोई खराब बात नहीं होगी। और इसमें भी 10% का टैक्स प्रपोज किया था अगर 1 लाख से ऊपर कोई भी आपने कैपिटल इक्विटी होल्ड कर रखी हो और वो 1 साल से ज़्यादा आपने होल्ड कर रखी हो। लेकिन अगर अप टू 1 लाख है तो आपको एग्जेम्पशन दे रखे हैं, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो भाई अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं क्योंकि सरकार ने इन पर टैक्स लगाया तो जो सरकार की तिजोरी है तो उसमें ज़्यादा पैसा आएगा, यानी कि जो हमारा फिजल डेफिसिट है उसको भरने में ये चीज़ें मदद कर सकती हैं। और जो टैक्स को अवॉइड करने की अपॉर्चुनिटीज़ की लोग तलाश करते हैं उस चीज़ को अब यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, उसके अलावा इस एमएसपी से फार्मर्स को कैसे आप लो इनकम ट्रैप से बचाएंगे। ये आपको बात करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, दो भागों में टूटता है। एमएसपी क्या है, फार्मर को कैसे आप लो इनकम ट्रैप से बचा पाएंगे इसके थ्रू। एमएसपी तो आप शुरुआत में अप्रोच ऐसी अपनाएं कि पहले एमएसपी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एमएसपी के, एडवांटेजेस क्या हैं, और इन्हीं दोनों बातों से आप ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि फार्मर को कैसे ये चीज़ जो है सेव करेगी लो इनकम डेट से, लो इनकम ट्रैप से, यानी कि वो ऐसे जाल में नहीं फंसेगा जहाँ पे उसकी इनकम कम हो। यहाँ पे इनकम बढ़ाने के सारी कोशिशें की जाएंगी। ये मैंने एक टेबल लगा दी है आप लोगों के लिए, इसमें मैंने ये दिखाया है कि 2 साल में 17-18 और 18-19 के बीच में कितना प्रतिशत इंक्रीज़ किया गया है सरकार द्वारा एमएसपी पे। तो ये जो डेटा है यही आपके कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, इन पर एक बार नज़र मार लीजिएगा। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन में मैंने बताया एमएसपी क्या है। एमएसपी एक ऐसा दाम है जिस पे सरकार ये बात अश्योर करवाती है फार्मर को कि भाई अगर तुम्हारा प्रोडक्ट यह मार्केट में नहीं बिका या फिर तुम्हें वहाँ बेचने का मन नहीं है तो कुछ मिनिमम दाम है, समझ लीजिए 10 रुपये हैं, इस पे हम तुमसे अब तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे 10 रुपये पर किलो पे। अगर तुमने मान लो 5 किलो प्रोड्यूस किया तो तुम्हें हम उसके बदले 50 रुपये दे देंगे। तो एक अश्योरेंस हो गई, इससे होगा ये अगर किसान ने कोई फसल उगाई है तो सरकार ने उसको बोल दिया अगर कहीं नहीं बिकी तो चिंता मत करो, हम लोग इसको इतने पैसे में खरीद लेंगे और कम से कम तुम्हारे जेब में इतनी इनकम तो हो ही जाएगी कि तुम आगे अपना खुद का विकास, अपने परिवार का विकास कर पाओ। तो ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि कम से कम इतने प्राइस तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर तुम्हें मार्केट में समझ लो 10 की जगह 12 रुपए मिल रहे हैं तो तुम वहाँ बेच लो, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में तुम्हें 5 रुपए में तुमसे कोई लेने को तैयार है तो वहाँ मत बेचो, फिर हमारे पास आओ, हम 10 रुपए में तुमसे खरीद लेंगे।
अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी का। 75-76 के आसपास ये चीज़ इवॉल्व हुई थी। इससे सरकार ये कोशिश करती है कि अगर एकदम से मार्केट में प्राइस गिर भी जाए, ₹5 हो जाए, तो भी सरकार फार्मर को कुछ हद तक कंपनसेट कर पाए, कुछ ऐसा प्राइस दे पाए जिससे कि वो कोई एक्सट्रीम कदम ना उठाए। उसके अलावा ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है और इसको जो कॉस्ट है, इसकी जो प्राइस है, वो डिसाइड की जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। तो ये सरकार को बताती है और सरकार जो है वो फाइनली अनाउंस कर देती है। और अनाउंस कब करती है? एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन, मतलब जब आपने आपका जो सीड है उसको बोया नहीं है, उससे पहले ही सरकार ने अनाउंस कर दिया कि इतने इतना पैसा हम आपको देंगे। तो उस अनुसार फार्मर अपनी चॉइसेस बदल सकता है। अब भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि अगर कभी भी फार्मर का सामान बिक नहीं पाए, उसकी फसल, उसका प्रोड्यूस नहीं बिक पाए मार्केट में, या फिर प्राइस एकदम से क्रैश हो जाए, तो फार्मर को एक ठीक ठाक इनकम दी जा सके। और उसके अलावा सरकार के पास एक स्टॉक बना रखा हो जिससे कभी भी देश में फूड इनसिक्योरिटी जैसी अगर सिनेरियो उत्पन्न होने वाला हो, तो हमारे पास ऑलरेडी ये हमारे स्टॉक में रखा है, हम इसको मार्केट में रिलीज कर देंगे और फूड इनसिक्योरिटी नहीं होने देंगे। अब बेनिफिट्स क्या हैं एमएसपी के? देखिए, ये जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करता है पीडीएस के थ्रू। जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो यहाँ से प्रोक्योर करती है और वो पीडीएस के थ्रू लोगों में बांटती है ये सामान, और जो कि सब्सिडाइज रेट पे बढ़ता है, 1, 2, 3 रुपए के रेट पे बढ़ता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। छोटे ग्रामीण घरों में ये बहुत मदद कर सकता है। ये इंश्योर करेगा कि फार्मर को कुछ ना कुछ मिनिमम पैसा तो मिले ही मिले अगर मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा गिर जाएं या फिर क्रैश हो जाएं। और ये एक यंत्र की तरह, एक टूल की तरह काम करता है जिसके तहत सरकार जो है वो फार्मर को एनकरेज करती है, भाई तुम उगाओ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा देंगे। तो इसलिए फार्मर डरेगा नहीं और वो आराम से उगाएगा, और उससे होगा क्या, देश में फूड सिक्योरिटी पे संकट नहीं आएगा। तो इसी सब के चलते मैं ये बात कहता हूँ कि एमएसपी जो है वो फार्मर को बचाती है लो इनकम ट्रैप्स पे, और ये इसलिए क्योंकि वो उससे डिस्ट्रेस सेल से बचाती है। समझ लीजिए, कोई आपसे ज़बरदस्ती ₹5 में खरीदना चाह रहा हो और कहे कि भाई तुम और कहीं बेच के दिखा दो, ₹5 से तुमको कहीं कम नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े और सरकार आपके लिए हमेशा बैठी है कि भाई ₹10 में हम तुमसे लेंगे ही लेंगे। तो फार्मर जो है उसके पास ऑप्शन रहेंगे, डिसीजन मेकिंग उसकी बेहतर हो पाएगी, और जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, उसके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे इमर्ज होके आएगा। तो इस तरीके से वो लो इनकम ट्रैप से बच जाएगा और उसकी एक निर्धारित इनकम तो आएगी ही आएगी। इसके अलावा इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सरकार ने और भी स्टेप लिए हैं। एमएसपी को सरकार ने 1.5 गुना बढ़ा दिया है कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट के मुताबिक, और सरकार ने प्रोक्योरमेंट को बेहतर करने के लिए एक स्कीम चलाई है पीएम आशा, जिसके अंदर भी 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास शब्द जो है लिमिटेड हैं, तो हमको इतना कुछ डिस्कस नहीं करना। बस पीएम आशा के ऊपर हल्का सा आप प्रकाश डाल दें कि ये भी एक स्कीम है जो प्रोक्योरमेंट को बेहतर करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल है सुपरमार्केट के ऊपर। कह रहा है कि भाई सुपरमार्केट का क्या रोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और किस किस के रेफरेंस में हमको बात करनी है। सबसे पहले तो फलों के रेफरेंस में, फिर सब्जियों के रेफरेंस में, और फिर खाद्य पदार्थों के रेफरेंस में। तो यानी कि 3 हिस्सों में आपको बात करनी है। एक है आपका फ्रूट्स, एक है आपका वेजिटेबल्स, और एक है आपका फूड आइटम्स। यानी कि इन तीनों जगह सुपरमार्केट ने कैसे रोल प्ले किया है जिससे कि ज़्यादा अच्छी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो पाए। तो आपको सुपरमार्केट को अपना बैकग्राउंड लेके चलना है, जो मैंने यहाँ पे लिया है रोल ऑफ सुपरमार्केट, और फिर आपको बताना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये कैसे हेल्प करेगा इन 3 एरियाज में, और कैसे ये जो बीच के यहाँ पे इंटरमीडियरीज हैं, जो बिचौलिए हैं, उनको किस तरीके से ये ख़त्म करेगा। यहाँ पे कीवर्ड है एग्जामिन, तो आपको तह तक जाके इस चीज़ पे बात करनी है। आपको फैक्ट्स यहाँ पे लिखने रहेंगे अपने साथ में, और इवैल्यूएशन आपका सही होना चाहिए। आपने ये 3 एरियाज पकड़े हैं, तो हर एक एरिया में कुछ कुछ रीजंस दें, कुछ कुछ फैक्टर्स दें, जिससे आप ये साबित कर पाएँ कि सुपरमार्केट का रोल जो है वो अच्छा हो गया है, वो बढ़ गया है। अब इसमें शुरुआत हम करें सुपरमार्केट के बारे में लिखने से, फिर क्या रोल है, और ये 3 एरिया पकड़े हैं हमने। सबसे पहले तो फूड प्रोडक्शन
और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रोल है। इसमें तीनों आप फ्रूट ले लें, वेजिटेबल ले लें और फूड आइटम ले लें, फिर सप्लाई चेन में क्या रोल है और कैसे उसने इंटरमीडरीज को ख़त्म किया है। भाई सुपरमार्केट है क्या चीज़? सुपरमार्केट जैसे कि आपके समझ लीजिए बिग बाज़ार या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको ट्रॉली लेके जानी पड़ती है और आप सेल्फ सर्विस करें, आप हर जगह घूमें और आपको जो जो फूड आइटम्स, वेजिटेबल आइटम्स, फ्रूट्स दिख रहे हैं वो आप इस ट्रॉली में भर लेंगे, अपना बिल कटाएंगे और उसको अपने घर ले जाएंगे। तो यानी कि ये रिटेल मार्केटिंग के स्टोर्स हैं जहाँ पे फूड, हाउस होल्ड मर्चेंडाइज सब मिलते हैं और सेल्फ सर्विस को ये फैसिलिटेट करते हैं। ये करते क्या है, ये जो आदमी आप खरीद रहा है यहाँ पे, टोकरी लेके जा रहा है, इसके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको वाइड कर देते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट रखे होंगे आपके सामने कि आप आराम से उनमें से कुछ भी चुन सकते हैं। ये हो गए सुपरमार्केट्स के बारे में। अब ये फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? भाई ये सप्लाई और डिमांड के बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपने उगाए हैं आलू और यहाँ पर जनता है जिसको चाहिए आलू, तो किसान सीधे जनता के पास नहीं जा पा रहा, इसलिए जो है इसका प्रोडक्ट आ जाएगा इस सुपरमार्केट में और सुपरमार्केट में ये आदमी विजिट करेगा ही करेगा, तो ये यहाँ से आलू ले जाएगा। तो यानी कि जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसके बीच में लिंक का काम किया इसने। उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है रिटेल चेन के, सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हैं। ये कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी अलग अलग स्कीम से, अपने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट से, जिससे कि यहाँ पे कंज्यूमर आएगा वो सब चीज़ों को देख के खरीद पाएगा। तो अगर आपका सामान यहाँ पहुँच गया तो वो ज़रूर लोगों की नज़र में आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब किसान का प्रोडक्ट उसके खेत से निकलता है तो उसको बहुत लंबी एक सप्लाई चेन से पास होना पड़ता है, उसके बाद वो पहुँचता है एंड में कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर के लिए वो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हर आदमी अपनी खुद की कमीशन खाएगा, तो आपको 10 रुपए की चीज़ मिलेगी 50 रुपए में, लेकिन किसान को उसके सिर्फ मिले 10 रुपए। जो एक्चुअल में उसको उगा रहा है उसको मिले 10 रुपए, आपको पड़ी 50 रुपए में, बीच में 40 रुपए लोग खा गए। तो ये समस्या थी, लेकिन जब ये रिटेल चेन के तौर पे सुपरमार्केट आ गया है तो ये खुद के जो है एजेंट्स लगा देते हैं, वो एजेंट्स किसान से कलेक्ट कर लेंगे और किसान से कलेक्ट करके ये सीधे सुपरमार्केट में ला सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, बहुत लोगों का बीच में कनेक्शन टूट गया, तो सही प्राइस मिल पाएंगे किसान को भी और आपको भी सस्ते दामों में ये चीज़ मिल पाएगी। उसके अलावा सप्लाई चेन में हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मिडलमैन का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये बहुत जगह से पास होके फिर आपके पास आएगी, तो उससे क्या बहुत सारी एडिशनल कॉस्ट इसके सामने आ जाती हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसने हैंडल किया उसकी कमीशन, तो इससे बहुत महंगा मिलता है। लेकिन अब ये सब हट जाएंगे तो एफिशिएंटली आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल पाएगा और सस्ते दाम में मिल पाएगा। अगर सप्लाई चेन में हम लोग प्रोक्योरमेंट अच्छे से कर लें, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन अच्छे से कर लें और उसको सही ढंग से कंज्यूमर के पास पहुंचा दें, तो जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे इमर्ज होकर आ सकते हैं। वरना क्या होता है, इतनी लंबी चेन से आने के चक्कर में पेरिशेबल हैं प्रोडक्ट्स, उनमें सड़ने गलने या फिर कोई कीड़ा लगने का डर है, तो इसीलिए वो इतने लंबे चेन से आते हुए बहुत सारे तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा स्ट्रांग बना लें, फटाफट प्रोक्योर करें, फिर फटाफट उसको सीधे उस जगह पर पहुँचा दें जहाँ से कंज्यूमर का टच हो, तो आराम से वो खरीद पाएगा और इसमें जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे और सबके ज़्यादा फ़ायदा होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा है कि एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन का सिस्टम होता है, कुछ उसी तरीके का या उससे अगर आप थोड़ा इजी कर पाएँ तो वैसा आप सुपरमार्केट्स में इन्वॉल्व कर लें। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि अगर मान लीजिए किसान है या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो वो बीच में किसी के थ्रू ना जाके जंप करके सीधे पहुँच सकती है रिटेलर्स के पास, यानी कि सुपरमार्केट्स के पास, और बीच में बाकी सबकी कमीशन ख़त्म करके वो सही दाम पे आगे दे पाएंगे और सुपरमार्केट्स भी इनको सही दाम दे पाएंगे। समझ लीजिए सुपरमार्केट्स को अगर बहुत लोगों से पास होते हुए आता तो अगर उस चीज़ के 50 रुपये देने पड़ते और ये आदमी कूद के सबको क्रॉस करके सीधे देगा, तो हो सकता है ये 30 में ही मान जाए। तो इसमें फ़ायदा तो रिटेल शॉप्स का भी है और मैन्युफैक्चरर का भी है। तो इस जो चेन है इसको इस तरीके से वो तोड़ देगा। ये यहाँ पे हमने जो तीसरा पार्ट दिया है कि इंटरमीडिएट कैसे ख़त्म करेगा, ये पूरे हमने अभी अभी पूरे उसमें डिस्कस किया, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये आप एक बार देख सकते हैं। मैं एक बार बहुत क्विक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सुपरमार्केट जो है वो फार्मर से कई बार डायरेक्टली प्रोक्योर कर लेता है, जो
अर्बन एरिया यानी कि शहरों के आसपास स्थित है। सुपरमार्केट वरना एग्रीगेटर से भी टाई अप कर लेता है, जिससे कि वो एग्रीगेटर्स जो बीच के लोगों को काम करते हैं, ये सुपरमार्केट इनको कॉन्ट्रैक्ट देता है, ये फार्मर के पास जाते हैं, फार्मर इनको देता है और ये सुपरमार्केट को देते हैं। तो ये एक ऐसी इस तरीके की चेन बना पाते हैं। ट्रेडिशनल मंडीज में फार्मर का प्रोडक्ट अच्छे दामों में नहीं बिक पाता, तो फार्मर के पास अब एक और ऑप्शन रहेगा, और उसको बिजौलियों से ना गुजरते हुए जो सुपरमार्केट अपने खुद के एग्रीगेटर्स यहाँ पे अपॉइंट करेंगे या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करेंगे, उनको किसान डायरेक्टली बेच पाएगा और सही दाम कमा पाएगा। तो इस तरीके से आपने सभी एस्पेक्ट आंसर किए। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पे। क्योंकि वर्ष 2018 जो है वो प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस का 125वां जन्मदिन मार्क करता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया और यूपीएससी ने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूछा, ना कि सर्न के बारे में या फिर गॉड पार्टिकल के बारे में, जो आसान करना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहता, उसका आंसर बनाना इजी रहता, फॉर्मुलेट करना इजी रहता। लेकिन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको लोग जनरली स्किप करके चले जाते हैं, तो यूपीएससी ने इसी पे पूछ लिया। आइए हम थोड़ा सा जानते हैं भाई। कहानी शुरू होती है 1920s के आसपास, जब प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ढाका यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे एक नया स्टैटिस्टिकल मेथड निकाला, यानी कि एक मेथड खोजा जिससे कि वो फोटॉन्स को काउंट कर सकते थे। फोटॉन की काउंटिंग के लिए उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड खोजा। ये जो उन्होंने एक पेपर में पूरा लिखा और ये पेपर उन्होंने भेजा एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने रियलाइज किया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फिजिक्स को रिवोल्यूशनाइज करने में। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक फिजिक्स का जर्नल था उससे कह के ये पेपर ट्रांसलेट करवाया और पब्लिश करवाया। और ये जो पेपर आया इसके बाद से इस टेक्निक को बोले जाने लगा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। मोटे मोटे तौर पे इसने दो अच्छे काम किए हैं। एक तो इसने जो गॉड पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी के लिए एक रास्ता दे दिया, और साथ में पार्टिकल फिजिक्स के स्फेयर में इसने एक इम्प्रूव्ड वर्जन लाने की कोशिश की। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे कीवर्ड है डिस्कस आपका, आपको विस्तार में बात करनी है लेकिन सटीक रहना है। और उसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन को तोड़ूँ तो ये कहता है बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स पे आपको बात करनी है, जो कि प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने इजाद किया, और उसके बाद आपको ये बताना है दूसरे भाग में कैसे इस टेक्निक ने, ये जो स्टैटिस्टिक्स वाली टेक्निक है, इसने फिजिक्स के फील्ड को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। तो अगर मैं अप्रोच देखूं तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि बोस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बाद आपको लिखना है कि ये जो कंट्रीब्यूशन किया, ये जो इन्होंने बोस और आइंस्टाइन नाम की स्टैटिस्टिक्स जारी करवाई, तो उससे क्या रिजल्ट रहा और उसने किस तरीके से फिजिक्स को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। देखिए ये जो कहानी है ये शुरू ऐसे हुई कि आइंस्टीन ने कुछ लाइट पार्टिकल्स ढूंढे, जो पार्टिकल्स बेसिकली फोटॉन्स नाम से फेमस हुए, और ये ढूंढा गया था कहाँ पे, उनकी थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने ये चीज़ ढूंढी। हालांकि वहाँ वो एक जगह कम रह गए, वो कहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गए, उन्होंने नंबर और प्रोबेबिलिटी फोटॉन्स की ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं बता पाए अपने नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स से। तब सत्येंद्रनाथ बोस का रोल आया, उन्होंने कहा कि भाई क्यों इन चीज़ की हम अभी तक स्टैटिस्टिक्स नहीं निकाल पाए, तो हम अगर थोड़ा और इस पे खोज करें, रिसर्च करें, तो हम इसकी फाइनल स्टैटिस्टिक्स, जिसके तहत हम इसके नंबर और इसकी प्रोबेबिलिटी कि कितने में कितनी लाइट में कितने फोटॉन्स हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली ये आते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पता लगा पाएंगे। तो उन्होंने अपनी जो स्टैटिस्टिक्स थी जो हमने बात की शुरुआत में वो भेजी आइंस्टीन के पास, उन्होंने देखा, वो इससे बहुत प्रभावित हुए। आइंस्टीन ने उसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन लगा के, थोड़ी सी और नई चीज़ें लगा के उसको लॉन्च किया एज बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। अब किया क्या है, देखो सबसे पहले तो इसने एक चीज़ बताई है इस बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स ने, कि अगर तापमान बहुत कम हो, यानी कि ऑलमोस्ट तापमान जीरो हो,
तो होगा क्या, जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब कंडेंस हो जाएंगे एक सिंगल पार्टिकल में, और इस पार्टिकल का नाम दिया गया बोसॉन पार्टिकल। हालांकि उस समय इस हद तक टेम्परेचर कम करने के कोई भी हमारे पास साधन नहीं थे, तो बाद में इसी चीज़ पर जब रिसर्च हुई, जब हमारे पास इतने इक्विपमेंट आ गए कि हम यहाँ तक टेम्परेचर को ले जा सके, तब हमने देखा कि बात भाई बात तो सही थी। उसके बाद से फिजिक्स में बड़े बड़े तौर पे हम देखें तो दो तरीके के पार्टिकल्स आए, एक को बोला गया फर्मियॉन्स और एक को बोला गया जो ये आपके सामने है बोसॉन्स, और वो प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस के नाम के ऊपर ही रखे गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1995 में पहली बार हो पाया जब एक्सपेरिमेंटली हमने इनको बनाया, और इसके लिए नोबल प्राइज अवार्ड किया गया 2001 में। अब ये फिजिक्स के जो फील्ड है उसमें कैसे ये रिवोल्यूशन लाएगा, सबसे पहले तो ये कुछ नई प्रॉपर्टीज एक्वायर किए हुए है, जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी, जैसे कि ये डेवलप करवा सकता है कुछ सेंसिटिव डिटेक्टर्स जो आपकी हेल्प करेंगे बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट में, वो सटीक एकदम मेजरमेंट लेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग में, आप जानते हैं आजकल हम लोग सुपर कंप्यूटर के दौर में हैं, लगातार हर एक देश कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर बनाने की होड़ में लगा हुआ है, तो उसमें ये जो आपका बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है ये और ज़्यादा मदद कर सकती है। यानी कि एक ब्लिंक ऑफ एन आई आप जब तक पलक झपका पाएंगे तब तक वो सारे कैलकुलेशन कर देगा। इस तरीके का होगा क्वांटम कंप्यूटिंग। और फिर उसके बाद एटॉमिक क्लॉक्स जो जनरली यूज़ होती हैं सैटेलाइट्स में, उनमें भी उनको बेहतर करने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए हम इस स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, एक वे क्रिएट कर दिया, प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जिससे कि गॉड पार्टिकल डिस्कवर हो पाया। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ आपने क्वेश्चन को समझा, उसको अंडरस्टैंड करके उसके सभी पहलुओं पे आंसर किया। अब अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ये सवाल है आपका एनवायरनमेंट से, कह रहा है क्या समस्याएं आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कि सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ है उसको डिस्पोज करना चाहते हैं, तो क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं, और आप किस तरीके से जो टॉक्सिक वेस्ट हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ टॉक्सिक की बात कर रहा है, जो आपके टॉक्सिक वेस्ट हैं जो आपके एनवायरनमेंट में अक्यूमुलेट हो गए हैं, किस तरीके से आप उसको रिमूव कर पाएंगे। तो सवाल दो बातें कर रहा है आपसे। सबसे पहली बात कह रहा है कि भाई सॉलिड वेस्ट जो होता है जब हम उसको डिस्पोज करने की तरफ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और दूसरी बात कह रहा है कि टॉक्सिक वेस्ट है वो क्या है, आपके एनवायरनमेंट में हो गया एक्यूमुलेट यानी कि जमा हो गया है तो आपको इसको रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो इन दो पहलुओं पे ही आपको बात करनी है। 150 शब्द का सवाल है तो इसी वजह से आपको ज़्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पर डिस्कस करने का, सीधे यहाँ पर बातें लिखी है इन दो भागों के बारे में। तो यही दो पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए क्वेश्चन को ब्रेक करने के। फिर अगर मैं अप्रोच बताऊँ तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में, फिर बताएंगे पहली बात तो क्या समस्याएं हैं सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने में, और दूसरी बात आप बात करेंगे ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के बारे में, और फिर फाइनली ये किसी और स्लाइड का आ गया माफ़ कीजिएगा, फाइनली फिर आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट पे इसको एंड करना है। सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट होता क्या है दोस्तों, ये कोई भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल है जो आपको चाहिए नहीं और जो कहाँ से निकला है, या तो आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से निकला है या फिर आपकी इंडस्ट्री से निकला है या फिर किसी तरीके के कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट से निकला है, और आपको इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये जो है आपके लिए वेस्ट हो गया और सॉलिड वेस्ट हो गया। इसमें प्लास्टिक आ सकते हैं, क्लॉथ आ सकता है, ग्लास आ सकता है, मेटल आ सकता है, ऑर्गेनिक मैटर आ सकता है, सीवेज आ सकता है, तो कितने ही यहाँ पे चीज़ें आ सकती हैं जो आपके लिए बेसिकली अनवांटेड हैं अभी। तो इसका आप ये देखते हैं क्या है, ये डिस्कार्डेड अबैंडन्ड मटेरियल है जैसे कि गार्बेज, कोई भी सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड, गैसियस, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कमर्शियल माइनिंग, जो भी आपका कचरा है गार्बेज है वो सारा का सारा आपका सॉलिड वेस्ट आ गया, मतलब जो आपका सॉलिड फॉर्म में ज़्यादातर वेस्ट है या आपको जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है जो आपके लिए अनवांटेड है। अब क्या समस्याएं आती हैं इनको डिस्पोज करने में, सबसे पहले तो हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अभी स्टेटस है भाई ये बड़ा चिंताजनक है। यहाँ पे हम बहुत ख़राब स्थिति में स्टैंड करते हैं क्योंकि हम लोग सही तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वेस्ट के कलेक्शन के और डिस्पोजल के। सबसे पहले वेस्ट कलेक्ट होना चाहिए और कलेक्ट होते टाइम उसको सेग्रीगेट करना ज़रूरी है, सूखा कचरा और गीला कचरा, और ये सूखे कचरे और गीले कचरे को उसके बाद आपको डिस्पोज करना है, आपको उसको पर्यावरण से रिमूव करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत नहीं है, हमारे इस चीज़ में बहुत पीछे है स्टैंड। तो
उसके अलावा ट्रेनिंग हम अच्छे से देते नहीं हैं। हमारे पास क्वालिफाइड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स भी नहीं हैं जो इस वेस्ट को मैनेज कर पाएँ। जनरली हमारे यहाँ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि उनके पास रुपया नहीं है जिससे वो प्रॉपर वेस्ट कलेक्ट कर पाएँ, उसको स्टोर कर पाएँ, फिर ट्रीट कर पाएँ और जो सही नहीं हो उसको डिस्पोज कर पाएँ। अगर आप उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाएंगे तो वो अपने काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कोई स्ट्रैटेजिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी नहीं है। वेस्ट के कलेक्शन और सेग्रीगेशन दो हिस्से होते हैं जो बहुत अच्छे से नहीं समझाए जाते। जागरूकता कम है लोगों में कि भाई क्यों कचरा हम ये सूखे में फेंकें, क्यों ये गीले के डब्बे में फेंकें। उसके अलावा सरकार फाइनेंस में भी थोड़ा पीछे रह जाती है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हमारा थोड़ा ढीला है जिसके तहत अगर कोई ये सब नहीं भी कर रहा, सॉलिड वेस्ट को ढंग से मैनेज नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगती, उसको ऐसे ही जाने देते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको, जागरूकता कम है, लोगों में मोटिवेशन की कमी है, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है। आप ऐसे ही कोई कचरा नहीं फेंकें, सरकार जिस तरीके से भी आपको सुविधाएं दे आप उसी अनुसार सुविधाएं लें और उसमें ही कचरा डालें। अगर आपके पास दो डब्बे हैं, एक गीला और एक सूखा कचरा के लिए, तो आप उसी तरीके से काम करें। आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है, एटीट्यूड चेंज ज़रूरी है। फिर उसके बाद बात आती है हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और डिस्पोज करते हैं सॉलिड वेस्ट को जो कि टॉक्सिक है, जो हमारे सवाल का दूसरा भाग है। तो इसमें आप सैनिटरी लैंडफिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता क्या है, समझ लीजिए, यहाँ पे आपने गड्ढा खोद दिया, जो कचरा है आपने इस गड्ढे में भर दिया, धीरे 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 आप कचरा भरते गए, ये गड्ढा पूरा भर गया। उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दी और काफ़ी ज़्यादा इसको मिट्टी से ढक दिया और इसके ऊपर कोई पब्लिक फैसिलिटी बना दी, यानी कि आपने कोई पब्लिक पार्क बना दिया या कोई और सामुदायिक केंद्र खड़ा कर दिया यहाँ पे, तो वो हो सकता है लैंडफिल्स। तो एक ये तरीका है जिससे आप टॉक्सिक वेस्ट को वहाँ से हटा सकते हैं। और जो सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं इसको हम बड़े ध्यान से बनाते हैं, जिससे क्या होगा, लीचिंग का सारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये जो कचरा है टॉक्सिक, ये नीचे ग्राउंड वाटर में जाके नहीं मिलेगा। हम लोग इस तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं तो ये एक ऑप्शन की तरह इमर्ज हो सकता है। जो भी चीज़ है आपकी टॉक्सिक वो नीचे ना जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे हम या तो प्लास्टिक बिछा सकते हैं या फिर क्ले, क्योंकि क्ले भी इम्परमिएबल होती है, ये अपने थ्रू किसी चीज़ को पास नहीं होने देती। तो आपका कोई भी लिक्विड जो है वो नीचे लीच नहीं होगा। इंसिनरेशन प्लांट्स आपका दूसरा ऑप्शन है, जहाँ पे आप बहुत हाई टेम्परेचर पे कचरे को रखते हैं और उसको जला देते हैं। कचरा एक बार जल गया तो उससे बनती है राख, और राख को आप कहीं भी डाल देते हैं। जो इसमें से रिसाइकलेबल मटेरियल है उसको आप रिसाइकिल कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। फिर आता है पायरोलाइसिस, यहाँ पे या तो आप ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत थोड़ी बहुत है उसमें उस चीज़ को जलाते हैं। कचरा अगर जल गया तो फिर उसके बाद वही चीज़ हुई कि आपका कुछ राख बनेगी, कुछ गैस और कुछ लिक्विड। तो गैस और लिक्विड को तो हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये जो आपने ऊपर इंसिनरेशन पढ़ाई है उसी का ऑल्टरनेटिव की तरह काम करता है। फिर आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, यानी कि फंगी या बैक्टीरिया की मदद से, जो भी डिग्रेडेबल कचरा है, याद रहे डिग्रेडेबल कचरा, यहाँ पे प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं तोड़ पाएंगे वो लोग, तो उसको हम लोग इनकी मदद से तोड़वा लेते हैं, जिससे कि वो ह्यूमस का काम करता है और बाद में वो आपकी सॉइल को भी फर्टाइल बना सकता है। फिर आता है एक वर्मी कल्चर, ये भी जो है ये जनरली किचन वेस्ट और इस चीज़ के लिए होता है। अगर मैं फोकस करूँ तो इसमें होता क्या है, आप अर्थवॉर्म्स यानी कि केंचुओं को इसके ऊपर चला देते हैं, धीरे 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 वो इस चीज़ को ब्रेक करते हैं छोटे हिस्सों में, और फिर ये आपके कंपोस्ट की तरह काम कर सकता है जो आप अपने पौधों में या फिर अपने खेत में डाल सकते हैं। अगर टॉक्सिक वेस्ट की बात करें तो 4R स्ट्रैटेजी हमारे काम की है, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। मतलब पहले तो चीज़ों को मना कर दें कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इस्तेमाल करना ही पड़े, तो इनका जो है इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद उनमें से जो भी चीज़ें ऐसी हो पाएँ जो रीयूज़ हो सकें उनको वापस यूज़ करिए, और फिर जो चीज़ रिसाइकिल हो पाएँ उनको रिसाइकिल कर दीजिए और किसी और तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये आप 4R स्ट्रैटेजी के तहत ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्ड लिमिट कम थी इसलिए हमने अपने आप को सीमित रखा है, वरना इस क्वेश्चन में लिखने के लिए हमारे पास बहुत है। अगर ये क्वेश्चन 250 शब्दों का आता है तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जेशन ऐड कर सकते हैं, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन से ऐड कर सकते हैं, बायोकेमिकल ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल ऐड कर सकते हैं। तो लिखने के लिए बहुत स्कोप है, लेकिन हम वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के कम में इसको ख़त्म कर रहे हैं।
फिर उसके बाद अगला सवाल है कि वेटलैंड क्या होता है और रामसर के कॉन्सेप्ट में वाइज यूज का क्या मतलब है। भाई एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो भी चीजें इस्तेमाल करनी है वो बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करनी है, उपयोग इसका ऐसा होना चाहिए। आपको इस बारे में बात करनी है कि इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं आप वेटलैंड के कंजर्वेशन में, और आपको भारत में कोई भी दो रामसर साइट्स हैं तो उनके एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करने हैं। देखिए यहाँ पे कीवर्ड है आपका एक्सप्लेन, इसका मतलब आप तह तक जाएंगे और बहुत विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे। वेटलैंड क्या होता है पहला हिस्सा, वाइज यूज का क्या कॉन्सेप्ट है दूसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा है दो एग्जाम्पल्स जो रामसर साइट भारत में है। तो अप्रोच इसकी ये रहेगी, शुरू करेंगे हम वेटलैंड क्या है, तो आपने पहले अपने पार्ट को आंसर किया, उसकी यहाँ पे थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे जिससे कि आपका ये जो है पूरी तरीके से पहला पार्ट एड्रेस हो जाए। दूसरे भाग में आप बताएंगे कि रामसर किस तरीके से वाइज यूज वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता है, और तीसरे पार्ट में आपको फोकस करना है रामसर साइट्स जो भारत में है उसके ऊपर। तो देखिए शुरुआत मैंने की है, कोई भी एरिया जैसे कि मार्श, फेन, कोई पानी का एरिया, कोई नेचुरल हो या आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट हो या टेम्पररी भी हो सकता है, पानी वहाँ पे हो सकता है रुका हुआ हो या फिर पानी फ्लो कर रहा हो सकता है ब्रैकिश हो या सॉल्ट हो, तो ये कुछ भी पॉसिबल है। आप समझ लीजिए एक कहीं पानी का एरिया मतलब वेट, मतलब जहाँ पे जो लैंड है वो वेट हो गया है यानी कि गीला हो गया है, कैसे, पानी की मौजूदगी की वजह से। अब पानी हो सकता है मूविंग हो सकता है वहीं पर रुका हुआ हो, पानी हो सकता है नमकीन हो सकता है फ्रेश हो सकता है नेचुरल हो सकता है अलग से किसी ने बनाया हो, तो ये सब संभव है। इन सब को आप बोलते हैं वेटलैंड्स। इसमें मरीन एरियाज भी इंक्लूडेड हैं, और उसमें जो लो टाइड है उस समय डेप्थ जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि थोड़ा कम गहरा हिस्सा जो आपका है वो है वेटलैंड। कैरेक्टराइज करें अगर हम इसको, तो भाई ये डीप वाटर और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स के बीच में होता है। समझ लीजिए ये आपका जो है समुद्र है, ये बहुत गहरा है, थोड़ा आगे ये आपका कम गहरा, और फिर यहाँ से आपका टेरिस्ट्रियल लैंडफॉर्म शुरू हो गया, तो ये बीच में जो लिंक है ये है आपका वेटलैंड। इसमें आमतौर पे बाढ़ आती है, और वो क्यों आएगी, जो इसके आसपास जो गहरे पानी के सोर्सेज हैं उसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आती है, तो इसीलिए ये ज़्यादातर टाइम क्या होता है पानी से घिरा रहता है। तो ये ऐसे पेड़ पौधों ऐसी जनजातियों को सपोर्ट करता है जो पानी में आके बैठ सके वहाँ पे उग सके, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छी पाई जाती है, बहुत रिच होता है ये बायोडाइवर्सिटी में। फिर बात करते हैं अपन रामसर की, ये रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में साइन किया गया, रामसर में साइन किया गया और ये अर्ली 80s में फोर्स में आ गया। अब इसमें वाइज यूज का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, देखिए जो ये कन्वेंशन है ये डिफाइन करता है, वाइज यूज का मतलब है कि आप इस तरीके से उस वेटलैंड को मेंटेन करें कि उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर बना रहे, और उसके अलावा आप सभी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाली अप्रोचेस अपनाएं जिससे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे जाके बना सकें। तो ये है वाइज यूज़ का कॉन्सेप्ट, इस तरीके से उसको प्रिजर्व करें कि उसमें आप इकोसिस्टम के फ्रेंडली अप्रोचेस लगाएं और वो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाए। तो इसीलिए इसमें दो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, एक तो आपको करना है कंजर्व, और आपको अगर यूज़ कर रहे हैं तो सस्टेनेबल यूज़ करें इसका जिससे कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे, सभी लोगों का फ़ायदा दे और इससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। 1990 में हुआ क्या, जो भी इसकी कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज थी मतलब भारत या जो भी पार्टीज इसमें जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम ये वाइज यूज़ वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस प्रदान करेंगे। और वो किया कैसे गया, या तो लोगों ने अपनी खुद की नेशनल वेटलैंड पॉलिसीज बनाई सेपरेटली बनाई, या एक किसी बड़े इनिशिएटिव का छोटा सा हिस्सा बना दी, डेवलपिंग प्लान शुरू किए जो वेटलैंड को बढ़ा सके, वहाँ पे मॉनिटरिंग कर सके, रिसर्च बढ़ा सके, ट्रेनिंग अच्छी करा सके, शिक्षा प्रदान कर सके लोगों में, उनके जो मासेस हैं उस कंट्री के उसमें अवेयरनेस को जनरेट कर सके, जागरूकता फैला सके, कुछ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स बने जिसमें ये बताया गया कि केंद्र, राज्य और जहाँ वो वेटलैंड एग्जिस्ट कर रहा है वो लोकल एरिया, ये सब कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेंगे उस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वेटलैंड के साथ साथ उसकी कैचमेंट से भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की गई। कैचमेंट एरिया क्या होता है समझ लीजिए भाई, ये आपका पानी का तालाब है, जहाँ से भी इसमें पॉसिबल है पानी आ सके वो सब इसका बनता है कैचमेंट एरिया। समझ लीजिए कि भाई यहाँ एक पहाड़ है और पहाड़ में बारिश हुई, बारिश से पानी ऐसे बह के आ गया, तो ये पहाड़ भी जो इसका हो गया कैचमेंट एरिया।
तो अगर आप कैचमेंट एरिया को प्रिजर्व करेंगे तो ये देखिए इसके पानी का सोर्स जो भी है वो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि वहीं से पानी आ रहा है। तो इसलिए इस पे तो ध्यान दें, लेकिन इसकी जड़ पे भी ध्यान दें। फिर अपन बात करते हैं दो साइट्स जो भारत में है, उसमें मैंने एक तो ली है लोकटक जो मणिपुर में है, और एक केवलादेव जो राजस्थान में है। इनको हमने मोंटियक रिकॉर्ड में रखा जो कि रामसर कन्वेंशन का है। ये जो ईयर है याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1993 और 1990, बस ये देख लीजिए। ये दोनों चीज़ें रखी गई मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। और ये जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ये क्या है, एक रजिस्टर है। ये रामसर के तहत आप लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, और आप जो भी साइट अपनी रामसर के तहत घोषित करें उसको इसमें भी लगा दें। और किया क्यों गया था, लोकटक के आसपास डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा था, वहाँ पे वाटर हाइनासिंथ जो कि एक प्रीडेटर है वो आ गया था, जो क्या कर रहा था वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहा था, पॉल्यूशन वहाँ पे फैल रहा था। उसके अलावा केवलादेव में वाटर की शॉर्टेज हो रही थी और ग्रेजिंग बहुत अनईवन थी, इधर उधर कहीं भी लोग जाके अपने कैटल को चरा रहे थे, जिससे कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे नुकसान हो रहा था। इसी वजह से ये दोनों वहाँ पे रखे गए। तो दोस्तों आज हम अपने वीडियो में यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के सवाल हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ इन लेक्चर्स से आपकी हेल्प हो रही होगी, आपके आंसर्स बेहतर हो रहे होंगे और आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरे साथ आप इतने देर बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों हम लोग आपके साथ पुराने वर्षों के यूपीएससी मेंस पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, उसके तहत हम लोग वर्ष 2018 GS3 पे चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसमें भी एक वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज हम आपके सामने मौजूद हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से सवाल सभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सवाल नंबर 8 तक डिस्कस किए थे। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट, अगर दोस्तों आपको पीडीएफ इसकी चाहिए हो, ये जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है, तो हम अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो कि टेलीग्राम चैनल है और जो एकदम फ्री है उस पर हम लोग शेयर कर देंगे। तो आप लोगों को बस इतना करना है, ये चैनल ज्वाइन करना है और हमारे जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनका पूरी तरह फ़ायदा उठाना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने अपने पुराने वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए, आज मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद के सवाल। तो देखते हैं 8वें सवाल को। देखिए दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही सिक्किम को फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो ये कह रहा है जो सिक्किम है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है भारत में। इस चीज़ के क्या तो इकोलॉजिकल और क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, आपको इस बारे में बात करनी है। तो क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आएगा कि सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, क्या इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं और क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं। देखिए सबसे पहले शुरू करें आप एक बैकग्राउंड देते हुए, शुरू में बात कर लें ये ऑर्गेनिक स्टेट का जो ये दर्जा मिला है सिक्किम को, ये किसके तहत मिला है, क्या है उसमें ऐसा खास जो उसको ऑर्गेनिक स्टेट कहा गया है। फिर उसके बाद सिक्किम के अचीवमेंट को यहाँ पे विस्तार से बताएं, तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। और अल्टीमेटली फिर आपको इस क्वेश्चन के भाग को एड्रेस करना है जिसमें वो कह रहा है इकोनॉमिक यानी आर्थिक और इकोलॉजिक बेनिफिट्स क्या होंगे और एक ऑर्गेनिक स्टेट के। तो देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने शुरुआत में लिखा है भाई जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें इकोसिस्टम की हेल्थ को देखते हैं, हम उसमें होलिस्टिक प्रोडक्शन को देखते हैं। मतलब हम इस तरीके से प्रोडक्शन करें कि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे, हमारी सॉइल भी बची रहे, बायोडाइवर्सिटी बची रहे, वहाँ की जो बायोलॉजिकल साइकिल्स चल रही हैं वो बची रहे, और अल्टीमेटली सॉइल की अंदर की जो सभी एक्टिविटीज़ हैं वो सब सुरक्षित रहें। तो इस तरीके का एग्रीकल्चर जो है वो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। होगा इसमें क्या, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से केमिकल्स जो भी नुकसान डालते हैं हमारे पर्यावरण पे, हमारे सॉइल पे, वो नुकसान नहीं होगा। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सभी बायोलॉजिकल मैकेनिकल और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो यानी कि आपने बाहरी कोई भी केमिकल, कोई भी सिंथेटिक चीज़ नहीं इनकॉर्पोरेट की है अपनी सॉइल में। अगर पूरे भारतवर्ष के तौर पे हम बात करें तो पूरे भारत में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की बात करें तो 5.71 मिलियन हेक्टेयर है, 2015-16 का डेटा है ये। इसमें से 1.49 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 26% जो एरिया है वो कल्टीवेबल है, और बाकी जो एरिया है वो फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड एरिया है जो अभी तक हम लोगों ने अंडर कल्टीवेशन नहीं लाए हैं। सिक्किम जो है वो पहला ऐसा स्टेट बना है भारत का जिसको ये उपाधि दी गई है कि वो ऑर्गेनिक स्टेट है। एक 2003 में सिक्किम गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि अब हमको सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट में कन्वर्ट करना है, और उसके कई सालों के प्रयास से आज सिक्किम उभर के आ पाया है एज अ
ऑर्गेनिक स्टेट और द ओनली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। भाई सिक्किम ने इसके आधार पे किया क्या था, करीब 75,000 हेक्टेयर का जो उसकी जमीन थी उसने उसको ऑर्गेनिक फार्म में कन्वर्ट कर दिया। और वो ऑर्गेनिक फार्म क्या है, कैसे है, कौन तय करेगा, तो एक गाइडलाइन है जिसमें जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर आती है, उसने कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब कर रखी हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतने आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दें। तो उसी को आधार रख के इसने उसी सब को फॉलो किया और करीब 7,500 हेक्टेयर ऑफ लैंड इसने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंदर ले आया। सरकार ने पूरी तरह सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज़ बंद कर दिया, कोई नहीं कर पाएगा, बैन हो गया। फार्मर्स के साथ जबरदस्ती की गई, उनमें जागरूकता बढ़ाई गई कि आपको ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए आगे बढ़ना है, ऑर्गेनिक वे में ही आपको अपना पूरा एग्रीकल्चर को डेवलप करवाना है। हम लोगों को मालूम है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में किसी भी तरीके के केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए वो बैलेंस बना के रखता है जो हमारे इकोसिस्टम की ज़रूरत है। सिक्किम ये सब चीज़ें करने में सक्षम रहा और इसीलिए सिक्किम को पहले ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला 2016 में। यूपीएससी ने सवाल पूछा आपसे 2018 में। इसके अलावा उससे फायदे क्या हुए, देखिए सबसे पहले तो जो सॉइल की क्वालिटी थी वो बहुत बेहतर हो गई, वहाँ पे जिस तरीके के क्रॉप उग रहे थे उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया। और इसने ओवरऑल भारत की बहुत मदद की, भारत में जो 1.24 मिलियन टन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है उसमें से सिक्किम अकेला 80,000 मिलियन टन इसको प्रोवाइड करता है। तो देखिए कितना ज़्यादा इसमें सिक्किम से एरिया आ रहा है, तो यानी कि ये पूरे भारत को साथ लेके चल रहा है। अब देखते हैं हम क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट रहे, क्या इकोलॉजिकल बेनिफिट रहे। सबसे पहले तो देखिए सॉइल की हेल्थ बढ़िया रही, आदमियों की हेल्थ बढ़िया रही, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो वो केमिकल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फ्रूट में, वेजिटेबल में, क्रॉप में जो आप कंज्यूम करते हैं कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस रह जाते हैं, और जब आप उसको खाते हैं वो आपके शरीर में जाते हैं और हमें तरह तरह की बीमारियां करवाते हैं, शरीर को हमारे नुकसान करते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ को भी हमने बचाया क्योंकि हमने सिर्फ ऐसी चीज़ें यूज़ की जो नेचुरल हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, कोई भी सिंथेटिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, और अल्टीमेटली एनवायरमेंट की हेल्थ तो बचेगी। जब उसमें किसी भी सिंथेटिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो जीवित रहेगी। और इसी तरीके से ये क्रॉप प्रोडक्शन का एक सबसे सस्टेनेबल तरीका बन के सामने आता है। जब आपने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रमोट किया तो ये किसानों के इकोनॉमिक बेनिफिट्स में भी काम आ सकता है। भाई एक तो ये बात है, आपने इस ज़मीन पे लगातार सब नेचुरल चीज़ें ही डाली हैं तो जो इसकी लाइफ होगी वो और लॉन्ग हो जाएगी, आप ज़्यादा समय तक इसके ऊपर चीज़ें उगा पाएंगे और ये आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएगी। वरना आप इसके ऊपर केमिकल चीज़ें डालने लग जाएं तो आप बहुत लंबी इसकी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ये धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। आप ये समझिए अगर आप शुद्ध और नेचुरल खाना खाते हैं तो आपको बीमारियां लगने का स्कोप बहुत कम होता है, आप बढ़िया हेल्दी लाइफ जीते हैं। अगर वहीं पे हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, कोई ऐसा पदार्थ खा रहे हैं जो हमें नुकसान कर रहा है, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर कई बीमारियां पनपती हैं। वही चीज़ है लैंड के साथ, अगर आप उसमें नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो लैंड आपकी हेल्दी रहेगी, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एक किसान की इनकम बढ़ेगी, उसका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। इससे सस्टेनेबल वे ऑफ प्रोडक्शन जनरेट होता है, इससे देश की फूड सिक्योरिटी बनी रहती है और अल्टीमेटली हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी नुकसान नहीं होता। अगर हम लोग थोड़ी साइंटिफिक अप्रोचेस भी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जोड़ दें तो भाई जो आपकी यील्ड है वो बहुत गुना इंक्रीज हो सकती है। साथ में बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बना के रखता है, नेचुरल जो इकोसिस्टम है हमारा उसका बैलेंस बना के रखता है, क्रॉप फेलियर का रिस्क कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत महंगे आते हैं, तो किसान को इतने महंगे फर्टिलाइजर ना खरीद के आसानी से आने वाला ऑर्गेनिक मनीर खरीद सकता है, और अगर वो भी ना हो तो फिर ऑर्गेनिक मनीर तो अपने खेत में ही तैयार कर सकता है क्योंकि वो सब नेचुरल चीज़ों से बनता है, काउ डंग से बनता है, काउ यूरिन से बनता है, और आपके पास जो भी छाटते वक्त फसल रह जाती है उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसमें आपकी देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम हो जाती है और अल्टीमेटली एक हेल्दी फूड के प्रोडक्शन को ये चीज़ एनकरेज करती है जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। हेल्थ ऑफ क्रॉप्स अच्छी रहती है, एनिमल लोगों सबकी हेल्थ अच्छी रहती है, सबके बायोलॉजिकल प्रोसेस अच्छे रहते हैं। और अगर लोकल रिसोर्सेज की बात करें तो देखिए सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते, वो बार बार रिप्लेनिश होते जाते हैं,
बायोमास की समस्या नहीं आती, बायोमास बना रहता है, और अल्टीमेटली जो हमारी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको भी कम खर्च हम करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक मेथड पे डिपेंड कर रहे हैं, हमको एज सच कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो हम जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते थे सिंथेटिक में, उतनी एनर्जी नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक कंपेरेटिवली थोड़ी कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होने देगा, और बायोमास भी बना के रखेगा। तो ये आपने पूरी तरह एड्रेस किया क्वेश्चन। अब अगला सवाल देखते हैं, ये है सवाल सीपैक के ऊपर, चाइना के ऊपर। फिर से देखिए सवाल आया है, चाइना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वो हर साल उसने कंसिस्टेंटली चाइना पे सवाल पूछा है। तो इस वाले एरिया को आप ज़रूर ज़रूर मजबूत करके जाएं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो सवाल है ये कह रहा है, चाइना पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है भाई, ये चाइना के एक लार्जर इनिशिएटिव जो कि है वन बेल्ट वन रोड, उसी का छोटा सा अंग है। अब आपको बताना है ये सीपैक क्या चीज़ है सबसे पहले, तो फिर दूसरी चीज़ आपको बताना है कि भारत ने सीपैक से अपने आप को क्यों दूर कर लिया, क्यों वो उसके पास नहीं जाना चाह रहा। तो ये आपके दो भाग हैं इसके, और आपको इन दोनों भागों को एड्रेस करना है। इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड में आप ये OBOR के बारे में बात कर सकते हैं भाई, है क्या चीज़ ये, देखिए। चाइना ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट किया है जो ऐसे निकलते हुए कनेक्ट हो रहा है ग्वादर पोर्ट से। ग्वादर पोर्ट एक पोर्ट है पाकिस्तान में, और उसी पोर्ट को काउंटर करने के लिए हम लोग अभी फिलहाल छाबहार पे काम कर रहे हैं, जो कि हम ईरान में बना रहे हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। बाकी ये है कि ये चाइना के जिनजियांग प्रोविंस जो है उसको कनेक्ट करेगा ग्वादर पोर्ट से, और ये कैसे होगा, मल्टी मॉडल होगा, रोड भी होगी इसमें, रेल भी होगी इसमें, और वाटरवेज भी होंगे इसमें। तो ये तीनों एरिया में कनेक्ट करेगा, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये हो रही है, ये भारत के जो POK वाला एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ से पास हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान से पास हो रहा है, तो भारत की सॉवरेनिटी पे ये एक खतरा है, एक सवालिया निशान है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। अप्रोच आपकी सीधी रहेगी, सबसे पहले सीपैक के बारे में बताएं, फिर बताएं किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, अल्टीमेटली बताएं कि भारत ने अपने आप को क्यों इस प्रोजेक्ट से दूर रखा है, और इस चीज़ के आप अलग अलग एंगल लें। आप बताएं डिफेंस के हिसाब से भारत इससे दूर क्यों रह रहा है, एनवायरनमेंट के हिसाब से क्यों रह रहा है, इकोनॉमी के हिसाब से क्यों रह रहा है। तो तीन चार एंगल में इस चीज़ को बताएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद देखिए, अब आंसर में देखते हैं, सीपेक जो है एक मेजर प्रोजेक्ट है, चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है जिसके तहत वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसमें वो कर क्या रहा है, चाइना का जिनजियांग जो प्रोविंस है उससे कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, और इसमें मल्टी मोड्स का इस्तेमाल करेगा, यानी कि रोड, रेल और वाटर सभी का इस्तेमाल होगा। ये मेजर प्रोजेक्ट है इस इनिशिएटिव का, सीपैक। अब सीपैक करेगा क्या भाई, इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना चाह रहा है कि वो यूरोपियन और मिडल ईस्ट कंट्री में पहुंच जाए, वहां पे मार्केट एस्टैब्लिश कर सके, और वहां तक के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट निकाल पाए। अब देखिए, चाइना जो है वो इंडिया के थ्रू होता हुआ, यानी कि इंडिया के POK के थ्रू होता हुआ अगर ग्वादर पोर्ट यानी कि पाकिस्तान में पहुंच गया, तो यहां से मिडल ईस्ट का रास्ता खुल जाएगा, यूरोप का रास्ता खुल जाएगा, और वो वहां पे अपना मार्केट एस्टैब्लिश कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के पोटेंशियल है वहां पे। ये जो सीपेक है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, और ये बेसिकली ई से इकोनॉमिक है, तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा मजबूत करेगा। चाइना को ये एक रास्ता देगा जिससे कि वो इन कंट्री से कनेक्ट हो पाए, और पाकिस्तान जो जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम खड्डे में है, कोशिश करेगा वो उसको कुछ हद तक बाहर निकाल पाए। प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च हुआ था, और ये POK से होके गुजरता है जो कि भारत में पड़ता है, जिसकी वजह से भारत के लिए यहाँ पे चिंताएं पैदा हो जाती हैं। फिर अब देखते हैं भारत ने अपने आप को क्यों इससे दूर रखा है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो है कनेक्ट हो रहा है कहाँ से, ग्वादर पोर्ट तक, और ये जब ग्वादर पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा तो वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही चाइना अच्छे से करेगा। तो ये एक चैलेंज की तरह उभर के आता है भारत के छाबहार पोर्ट पे, जो कि ईरान में भारत कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और इस पोर्ट के जरिए ही भारत जो है वो ईरान से और इराक से क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करता है। फिर वहीं पे भारत जो है UAE को बहुत एंगेज करवाता है खुद के साथ, और साथ में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट दिखाता है। अगर चाइना आ गया ग्वादर पोर्ट के पास, और यहाँ पे उसने इस एरिया में इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, तो भारत के लिए यहाँ से ईरान और उधर के इलाकों में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए भारत चाह रहा है कि ये चीज़ ना बने, और अपने को इस चीज़ से दूर रख रहा है।
फिर इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारे खतरा है, क्योंकि इसका जो हाईवे है वो कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके निकलता है। तो अगर ये हाईवे निकला तो कल को क्या हो सकता है, यहाँ से जो चाइनीज ट्रूप हैं वो पाकिस्तान जाएं या फिर पाकिस्तान की सेनाएं चाइना जाएं। तो जब ये सेनाओं का मूवमेंट होगा और वो हो रहा है वाया इंडिया, तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा तो है ही। फिर उसके बाद आर्म्स रेस को ये और ज़्यादा बढ़ा सकता है। भाई सीपैक से होगा क्या? सीपैक से एक इनका इनिशिएटिव है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, थोड़ा उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सके। अगर भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट हो गई तो एक समस्या है, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, वो आर्म्स रेस को करता है, वो फ्यूल रेस को करता है। तो अगर उसकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई तो हो सकता है ये जो पैसा है ये एंटी इंडिया और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ डाइवर्ट हो जाए, जो भारत के लिए एक और समस्या की तरीके से उभर के सामने आता है। भारत की सोवेरिटी पे खतरा है एक, क्योंकि जो पीओके है वो ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उस पर अभी तक किसी का क्लेम नहीं है। पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत मानता है वो हमारे कश्मीर का हिस्सा है। तो ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया से एक हाईवे पास करना सीधे भारत की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। उसके अलावा पॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं भाई, इस तरीके के कोई इनिशिएटिव चालू होते हैं जब दो देश के बीच में, तो वो दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच में कितने गहरे संबंध हैं और उनके बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशंस हैं, जो रिलेशंस हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत जो है वो बीच में पड़ता है, इस तरफ चाइना है और इस तरफ पाकिस्तान है, और दोनों ही भारत विरोधी नीति रखते हैं। तो अगर इन दोनों का संबंध मजबूत हुए तो ये भारत के लिए कहीं किसी हद तक चिंताजनक हो सकता है। फिर हमारे कुछ इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं। देखिए ये चाइना का डिस्टेंस कम कर देगा अफ्रीका के कंपैरिजन में, जो अभी उसको काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, वो करीब 12,000 किलोमीटर कम पड़ने लगेगा इस सीपैक के थ्रू, क्योंकि वो सीधे आ गया ग्वादर तक, फिर वो यहाँ से बाय सी रूट वो चला गया अफ्रीका तक। तो अब ये क्या, अफ्रीका जो है वो इंडिया का अच्छा मार्केट है, और भी जो एरियाज़ हैं वहाँ के इंडिया के अच्छे मार्केट हैं, लेकिन अगर वहाँ पर चाइना की इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस हो गई तो चाइना की जिस हिसाब से पॉलिसीज़ होती हैं मार्केट कैप्चर करने की, अपने चीप गुड्स के साथ वो इंडिया के वहाँ पे मार्केट को हैम्पर कर सकता है। चाइना ने लगातार ऐसे इनिशिएटिव जारी रख रखे हैं जिसमें वो किसी ना किसी तरह इंडिया को काउंटर कर रहा है। भारत के लिए ज़रूरी है कि अपने इनिशिएटिव्स को और मजबूत बनाया जाए, अपनी एंगेजमेंट को और मजबूत बनाया जाए उन सभी देशों के साथ जो हमको थोड़ा वल्नरेबिलिटी पे अभी लग रहे हैं सीपैक के बनने की वजह से। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे लिए चिंताएं थोड़ी कम हो जाएंगी। अब देखिए अगला सवाल है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। कह रहा है कि पिछले कुछ समय में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसका ट्रेंड कम हुआ है। ये बात तो भाई अच्छी है कि कम हो गया, लेकिन ये जो उग्रवाद कम हुआ है ये आज भी बहुत कुछ एरियाज को अफेक्ट करता है देश के। तो पहला पार्ट तो आपका ये है, इस बारे में आपको थोड़ी चर्चा करनी है। दूसरा भाग आपका है कि भारत सरकार ने कौन सी अप्रोचेज अपनाई हैं जिसके तहत वो इस चीज़ों को काउंटर कर रहा है। तो आपको इन दो भागों में इस सवाल को एड्रेस करना है। एक्सप्लेन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि बड़े विस्तार से आपको इस पे चर्चा करनी है। स्टेटमेंट आप समझ चुके हैं, दो भाग हैं इसके। सबसे पहले तो बताइए कि इसका ट्रेंड कम हो रहा है लेकिन अभी भी कुछ एरिया को अफेक्ट कर रहा है, तो कुछ एरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और फिर सरकार ने क्या अप्रोचेज अपनाई हैं जो इसके चैलेंज को रोका जा सके। तो अगर मैं इसकी अप्रोच बताऊँ तो आप सबसे पहले तो ये उग्रवाद के बारे में, लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव रखता है वो, और सरकार के क्या स्टेप्स रखे हैं इसको रोकने के लिए। तो देखिए उग्रवाद को मैंने शुरुआत में बोला है कि ये इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं नक्सलिज्म। भाई एक समय जो ये था 165 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था, लेकिन अगर आज हम डेटाज देखें तो आज वो 90 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रह गया है। तो भाई ये बात तो श्योर है कि ये रिड्यूस हुआ है। और अकेले 2018 में देखें तो डेटाज कहते हैं कि शुरुआत के 6 महीनों में ही हमने 122 माओवादियों को मार गिराया है, जो पिछले 8 साल में सबसे हाईएस्ट है। तो अब जरा इसके ट्रेंड पे नजर मारते हैं। देखिए इसके ट्रेंड ने कमी तो दिखाई है, ये बात तो श्योर है, लेकिन आज भी ये ऐसी चीज है जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा खतरे में डाल देती है और भारत के सबसे ज्यादा स्टेट्स को ये अफेक्ट करती है। आज भी भारत में 30 उग्रवादी समूह हैं जो ऑपरेशनल हैं, जो कंट्री को किसी ना किसी तरीके से खतरे के घेरे में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे तो आपने बताया कि भाई हमने फिगर देखे कम हो गया है,
लेकिन यहाँ पे आपने बताया कम होने के बाद भी आज ये काफी हद तक अफेक्ट कर रहा है हमारे देश को। तो आपने पहले भाग को तो एड्रेस कर लिया, इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे भाग पे। उसके पहले मैंने ये थोड़ा सा एडिशन दे दिया है, ऑब्जेक्टिव क्या है नक्सलाइट ग्रुप्स के, उनको चाहिए किसी ना किसी तरह आर्म्ड रेवोल्यूशन करना, जो वो बेस करना चाहते हैं चाइनीज रेवोल्यूशन के आइडिया के ऊपर। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग सरकार ने क्या स्ट्रेटजीज ली हैं इसको टैकल करने के लिए। सरकार ने होलिस्टिक मैनर में टैकल करने की कोशिश की है उग्रवाद को। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी बताई थी, जिसके तहत हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को भी टैकल कर लेंगे और वहाँ पे मौजूद सभी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी विकास की राह पर चला पाएंगे और उनको आगे बढ़ा पाएंगे। अब ये जो नई स्ट्रैटेजी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी का नाम है समाधान। भाई इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कुछ इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म गोल उन चीज़ों पर रखे गए हैं जो आपको तुरंत तौर पर कोई प्रभाव दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वो चीज़ें इंक्लूड करती हैं जो आपको लंबे समय के बाद इन लोगों को मेन स्ट्रीम में मर्ज करने में फायदेमंद होंगी। हालांकि ऐसी स्ट्रैटेजीज कारगर तभी साबित होंगी जब आपके स्टेट इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि स्टेट के अंदर ही आता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक और पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। तो अगर ये सब चीज़ों पे स्टेट की अच्छी पकड़ रही, स्टेट ने अच्छे से इंप्लीमेंट की, तो ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है ये काम करेगी, वरना फिर समस्या में हम लोग पड़ जाएंगे। केंद्र सरकार इस पे और भी कुछ तरीकों से काम करती है, जैसे कि सबसे पहले वो CAPF को डिप्लॉय करती है, जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं सभी गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा हमने कुछ CAT स्कूल्स खोले हैं, यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल्स, जिसमें हम सिखाते हैं किस तरीके से इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ना चाहिए। उसके अलावा हम स्टेट पुलिस जो होती हैं, और वो भी स्पेशली जो ऐसे अफेक्टेड एरियाज में हैं उनको मॉडर्नाइज करने पे जोर देते हैं, उनको अपग्रेड करवाते हैं। जो भी सरकार का यानी राज्य सरकार का इस दौरान खर्चा हो रहा है अपने सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर को, वो कंपनसेशन के तौर पे वापस ले सकती है सेंटर से, अगर वो उसको फोकस करवा रही हो टूवर्ड्स एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशंस, यानी कि अगर वो माओवादियों को ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ लगा रही है, कोई अच्छे वेपन्स ला रही है, कोई ट्रेनिंग दे रही है, तो जो भी खर्चा है इनको रीइम्बर्स हो जाता है। स्टेट पुलिस को अच्छे से ट्रेन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा, क्योंकि सबसे जल्दी जो ऐसे एरिया के आसपास पहुंच पाएगी वो होती है आपकी स्टेट पुलिस। तो अगर आपने इस स्टेट पुलिस को मजबूत कर दिया, इसको ट्रेनिंग दे दी, तो आप आराम से ऐसे एरियाज को टैकल कर पाएंगे। हमने अपने इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है, जिससे कि तुरंत तौर पे कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेजी जा सके, और जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी तो स्टेट पुलिस या फिर वहाँ पे बटालियंस वहाँ पे जाके उस एरिया पे कंट्रोल स्थापित करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को हमने बेहतर बनाया है, हमने कम्युनिटी पुलिसिंग भी बनाई है, यानी कि इस एरिया में हम लोग सिविलियंस की मदद लेते हैं। सिविलियंस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, वो लोग इन्फॉर्मेशन आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई हमारे इलाके में 4 माओवादी छुपे हैं, या फिर वो इधर घूम रहे हैं या देखे गए हैं, तो पुलिस तुरंत उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे वहाँ पे पहुँचती है और एक्शन लेती है। तो ये है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेप्स, और ये मैंने एक डिस्कस किया यहाँ पे स्ट्रैटेजी समाधान। लेकिन समाधान में समस्या ये है कि इम्प्लीमेंटेशन है स्टेट्स के हाथ में। अगर स्टेट ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो हम इस तरीके के जो उग्रवाद गतिविधियां हैं इनको कम करने में काफी हद तक कामयाब हो पाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई नीति आयोग जो अभी बना है और उसने प्लानिंग कमीशन को हटाया है, तो आपको बताना है कि नीति वर्सेस प्लानिंग कमीशन क्या है। वर्सेस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको बताना है नीति क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है, और ये जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या प्रिंसिपल फॉलो करता था, और दोनों के प्रिंसिपल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। देखिए सवाल तो सिर्फ आपसे डिफरेंसेस के बारे में पूछता है, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि आप यहाँ पे सिमिलैरिटी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर दें, उससे आपका स्कोप बढ़ जाएगा और आपका कोई भी एंगल यहाँ पे छूटेगा नहीं। अब कोई कीवर्ड है नहीं इस क्वेश्चन में, सीधे आपको नीति वर्सेस करना है प्लानिंग कमीशन। तो अगर मैं अप्रोच बताऊं तो सबसे पहले नीति के बारे में बताइए, क्योंकि वो अभी एस्टैब्लिश हुआ है
और उसने जो है प्लानिंग कमीशन को हटाया है। अभी से मेरा मतलब है वर्ष 2015, मतलब हाल ही में एस्टैब्लिश हुआ है, इसने प्लानिंग कमीशन को हटाया है, तो इसको इंट्रोडक्शन में आप उठाएं। यानी कि एक तरीके से आपने किया क्या, आपने बैकग्राउंड बता दिया कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ, उसका बैकग्राउंड ये है और वो अभी अभी एस्टैब्लिश हुआ है। फिर बताएं प्लानिंग कमीशन के बारे में जो पहले था और अब चला गया है, फिर बताएं सिमिलैरिटीज और फिर बताएं डिफरेंसेस। सवाल आपसे सिर्फ डिफरेंसेस पूछ रहा है, लेकिन ये बड़ा सवाल है, 250 नंबर का है, माफ़ कीजिएगा 250 वर्ड्स का है। तो आपको यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा सिमिलैरिटी भी देना चाहिए, जो आपके आंसर की अप्रोच को और ज़्यादा वाइड बना देगा, हॉरिजॉन्टली आप और ज़्यादा आंसर को एरिया से एनरिच कर पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले नीति आयोग 2015 में बना, भारत का वन ऑफ द यंगेस्ट इंस्टीट्यूशंस है क्योंकि सबसे पास में बना है। एम था इसका कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाएंगे, किसी भी डेवलपमेंटल गोल पे हम लोग नेशनल कंसेंसस बनाएंगे, सबकी राय लेंगे, उसी हिसाब से कोई भी विकास के हम लोग अपने गोल तय करेंगे। जो भी रिफॉर्म्स लाएंगे वो अब उसकी अप्रोच अलग होगी, अब उसमें सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं होगी, सरकार जो कि केंद्र सरकार है और वहाँ के राज्य की सरकार दोनों की राय लेके, दोनों के हिसाब से, दोनों के कोऑर्डिनेशन से हम लोग रिफॉर्म्स लाएंगे। कैपेसिटी बिल्ड करनी है हमको, नॉलेज एंड इनोवेशन हब बनाना है अपने देश को। और उसके अलावा एक और है इसका, डेवलपमेंटल एजेंडा, जैसे हम पहले देखते थे जो विकास का एजेंडा था हमारा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था, अब वो नहीं होगा, अब हम उसको चेंज कर रहे हैं और हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। पहले प्लान जो बनते थे वो ऊपर से बन के आ जाते थे, नीचे वालों को काम रहे बस इम्प्लीमेंट करना। तो अब ये जो प्लान ऊपर से बन के आए हैं, ये नीचे वालों की डिमांड को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये नहीं मालूम। अगर वो प्लान कह रहा है कि भाई सबको हम लोग बिजली देंगे इतनी इतनी, अब अगर बिजली वहाँ पर ऑलरेडी आती है, वहाँ पर पानी की समस्या है, पर आपने तो बिजली को टैकल कर दिया, तो ज़रूरी है कि आप उन लोगों को भी अपने साथ लेके चलें। तो वो तभी होगा जब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना रखेंगे, तीनों एंगल आपस में कोऑपरेट करेंगे और उससे आप कोई भी नीतियां बनाएंगे। तो नीति आयोग का यही काम था, इस कोऑपरेशन को बढ़ाना और एक ऐसी नीति को तैयार करना जो सभी के कंसेंसस से बनी हो। अब प्लानिंग कमीशन था वो 1950 से लेकर 2014 तक था, उसने वहां पे पंचवर्षीय योजनाएं दी, आखिरी उसने 12 5-year प्लान को फॉर्मुलेट किया था। कुछ स्टडीज और कुछ इवेल्युएशन से मालूम पड़ता है कि जो प्लानिंग कमीशन थी धीरे धीरे वो एक इनएफिशियंट ऑर्गन बनता चला जा रही थी, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत थी, और जो प्लानिंग प्रोसेस वो फॉलो करती थी वो भी आज के युग में सूटेबल नहीं था। बहुत सारी समस्याएं एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे कि पीडीएस सिस्टम जो था उसमें बहुत सारे लीकेजेस थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो थी उसमें बहुत सारी डिमांड थी, उसके हिसाब से सेट नहीं हो पा रही थी प्लानिंग, राइट टू एजुकेशन एक्ट को सही तरीके से रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही थी, लेबर लॉज बहुत ज़्यादा रिजिड थे जिससे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही थी, पब्लिक प्रोजेक्ट्स नए नए नहीं आ पा रहे थे। तो भाई इन सब के चलते एक नया फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत थी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लाए नीति आयोग। अब बात करते हैं क्या सिमिलैरिटी है इनमें, क्या डिफरेंसेस हैं। नीति आयोग तो जो कि है दो जनों के रोल को एनकम्पास करती है, पहला है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और दूसरा है प्लानिंग कमीशन। तो यानी कि दो जनों के रोल को इसने अपने अंदर ले लिया, तो इससे सिमिलैरिटी क्या हुई कि भाई नीति आयोग का रोल और काफ़ी हद तक इन दोनों का रोल एक जैसा ही है। उसके अलावा नीति आयोग जो है वो भी थिंक टैंक की तरह काम करता है और प्लानिंग कमीशन भी थिंक टैंक की तरह ही काम करता था। दोनों का ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम था कि हमको भाई भारत देश में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, जिसमें प्लानिंग कमीशन कहता था कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है जल्दी से जल्दी कैसे सामाजिक और आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए भारत में, और नीति आयोग के तो नाम में ही खुद ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसीलिए दोनों में ये ऑब्जेक्टिव सेम थे। पर डिफरेंसेस थे जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस वजह से नीति ज़्यादा भारी हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन सेंट्रल प्लानिंग पे जोर देता था, नीति आयोग कहता है भाई हम लोग फेडरल प्लानिंग पे जोर देंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। प्लानिंग कमीशन के पास पावर थी, वो फंड को एलोकेट भी कर सकता था, लेकिन नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है, एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा, इसमें जो है किसी तरीके की पावर नहीं है फंड को एलोकेट करने की, अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। जो आखिरी प्लानिंग कमीशन था डिसॉल्व होने
होने से पहले उसमें 8 फुल टाइम मेंबर थे। नीति आयोग में ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रोल बहुत ज़्यादा कन्फाइंड था, बहुत कम सीमित रोल था। वो सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जब प्रोसेस आगे बढ़ने के लिए आता था तो उस एरिया में रोल प्ले कर सकती थी, या फिर एनुअल इंटरेक्शन होते थे और प्लान मीटिंग होती थी उसके अनुसार ये लोग मिलके कुछ तय कर सकते थे। लेकिन भाई आपने सारा खुद बना लिया, अब उनको बुला रहे हो सिर्फ थोड़ी बहुत बात करने के लिए। तो ये था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नीति में एक नई बात है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने के लिए हर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपेल किया जा रहा है कि सब लोग आपस में एक साथ आगे बढ़ पाएं। प्लानिंग कमीशन में जो सेक्रेटरीज थे, जो सीईओ थे, उनको अपॉइंट किया जाता था यूजुअल प्रोसेस से, लेकिन नीति आयोग में उनको पीएम अपॉइंट करते हैं। भाई प्लानिंग कमीशन में कोई पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं थे, लेकिन नीति आयोग में कुछ पार्ट टाइम मेंबर भी हैं, और वो डिपेंड करेंगे बढ़ाएं कि हम घटाएं ऑन द नीड ऑफ द आवर। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाने के बाद रिपोर्ट भेजता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में स्टेट के कुछ चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स नहीं थे। नीति आयोग की ऐसी गवर्निंग काउंसिल है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम बदल गए हैं। प्लानिंग कमीशन में कुछ जो अथॉरिटीज़ थी वो थी डेप्यूटी चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी और फुल टाइम मेंबर्स। नीति आयोग में ये कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। नीति आयोग में है सीईओ जो कि सेक्रेटरी की सेम रैंक होल्ड करता है, वाइस चेयरपर्सन है, 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह भी सर्व करेंगे। तो यानी कि दोनों के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में भी फ़र्क है। तो इस तरीके से आपने सिमिलैरिटी पे बात की, आपने डिफरेंसेस पे बात की, और आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस किया। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है, तो दोस्तों ये सवाल कह रहा है किस तरीके से प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी का मैनिपुलेशन आपकी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकता है, और भारत के कंटेक्स्ट में आपको बात करनी है। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? जब कोई भी देश टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। यानी कि अगर बाहर से कोई माल आए तो उसके ऊपर उसने टैक्स लगा दिया 50%, तो अगर समझ लीजिए आपके 100 रुपये का माल है तो 150 रुपये का आ रहा है अंदर, तो अंदर ज़्यादा महंगा बिकेगा। वही माल हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है अगर वो 80 या फिर 120 रुपये बना रहा है तो लोग डोमेस्टिक वाले का माल खरीदेंगे। तो ये तरीके हैं टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ बैरियर, किसी ना किसी तरीके से बाहर से आ रहे माल को कम किया जा सके। और ये करेंसी मैनिपुलेशन क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। जो हमारे देश का मान लीजिए सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का जैसे RBI है, अगर वो एक के बाद एक सभी डॉलर खरीदता चला जाए तो मार्केट में डॉलर की जो है स्केयरसिटी हो जाएगी, मतलब डॉलर की कमी हो जाएगी, और वो उसके बदले रुपया देता जाए, यानी कि रुपये की डिमांड कम होती चली जाएगी और डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो होगा क्या, रुपया इससे हमारा बहुत कमज़ोर होता चला जाएगा। जब आपके देश में रुपया कमज़ोर है तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। कैसे, समझ लीजिए पहले $1 के बराबर था 50 रुपये, उसके अलावा बाद में जब रुपया कमज़ोर हुआ तो वो $1 के 70 रुपये हो गया। अब अगर मैं कोई आदमी हूँ जो मैं US में बैठा हूँ समझ लीजिए, और मैं आपके देश से यानी भारत से कुछ खरीदना चाह रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा देखो भाई पहले मुझे $1 दे के 50 रुपये की चीज़ मिल जाती थी, पर अगर मैं अब वही $1 दूंगा तो मुझे 20 रुपये की एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, यानी कि 70 रुपये की चीज़ मिल जाएगी। तो मेरे लिए फ़ायदा है, मैं फटाफट आऊँगा और भारत से सामान खरीदूंगा। तो इस तरीके से सभी लोग फटाफट आके भारत से सामान खरीदेंगे और ओवरऑल भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे 2 टेक्निक बताई गई हैं। कह रहा है किस, अगर ये दोनों हम लोग देखें तो किस हद तक ये भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकता है और उसको अफेक्ट कर सकता है। तो आपको कीवर्ड है नहीं कुछ, इसी तरीके से 2 भागों में क्वेश्चन को तोड़ना है। अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले बताएं देश की माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, फिर इसके बारे में चर्चा करें, और फिर क्या समस्याएं हैं जिसमें आप ये दोनों फिनोमिनाज की जिक्र करेंगे। देखिए एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी नेशनल इकोनॉमी बाहर के किसी भी तरीके के शॉक्स को
स्टेबलाइज करने की पावर रखती है, उनकी क्षमता रखती है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि बाहर के अगर कोई शॉक्स आए, जैसे कि एक शॉक मैंने आपको बताया प्रोटेक्शनिज्म, एक शॉक मैंने आपको बताया जिसमें अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा लेते हैं जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएं, तो इस तरीके कोई अगर शॉक्स आए तो आपके जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, इसी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर आपको इसको समझना है तो आपको कुछ इंडिकेटर्स इसके साथ लगाने पड़ते हैं और फिर उससे आ रहा जो रिजल्ट है उसको आप देखते हैं और फिर आप भांपते हैं कि आपकी किस हद तक कितनी डिग्री है स्टेबिलिटी की आपकी इकोनॉमी में। ये है जैसे कि लो डेफिसिट है आपके, लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन है आपका, डेट टू जीडीपी रेशियो आपका लो है, और उसके अलावा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है आपके वो भी लो हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब आप काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। अब भारत की बात करें तो भारत में पिछले 5 साल से भारत में जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो अच्छी रही है और हमने ऑलमोस्ट हर एक इंडिकेटर पे अच्छी बढ़त हासिल की है। अगर फिजल डेफिसिट की बात करें तो हमने उसको कम कर दिया है जो आज करीब 3.2% है, डेट टू जीडीपी रेशियो भी हमने कम किया है, इन्फ्लेशन में हम कंसिस्टेंट रहे हैं। हालांकि पिछले 5 या 10 सालों से हम देखें तो हमने इसको कम करने की पूरी कोशिश की है और पिछले कुछ सालों में तो हमने जो एक विंडो का कॉन्सेप्ट बना दिया है जिसमें +2 -2% कर दिया है, मतलब आपको अपनी इन्फ्लेशन इसी खिड़की के अंदर रखना है, उसके तहत काफ़ी हम सक्सेसफुल हुए हैं और हमने 5% से कम ही रखा है। मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी वल्नरेबिलिटी है इसका एक इंडेक्स निकलता है, वो इकोनॉमिक सर्वे ने 2014-15 में इंट्रोड्यूस किया था, उसके आधार पे भी हम कह सकते हैं कि हम लोग काफ़ी स्टेबल हैं, वल्नरेबिलिटी हमारी कम है। और 2012 के बाद से ये हुआ था जब से हमने इस चीज़ पे इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी हमारे कुछ खतरे मंडरा रहे हैं हमारे ऊपर, वो डेंजर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो तेल के बढ़ते दाम, जिसके साथ में जब प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन को भी मिला लिया जाए, तो ये कुछ 3 चैलेंजेस हैं जो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म ये पहले बहुत इस्तेमाल होता था, अब ये वापस एक कॉन्ट्रोवर्शियल टैक्टिक की तरह उभर के आ रहा है। लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि वो अपने नेशन की डोमेस्टिक इकोनॉमी को हेल्प कर पाएँ, उनका जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है उसको बदल पाएँ। ज़्यादातर ये वेस्टर्न कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं और वो मेनली टारगेटेड होता है चाइना के गुड्स के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ माल कितना सस्ता मिलता है और वो डोमेस्टिक हमारी इकोनॉमी को हैम्पर करता है, तो उसके अगेंस्ट ये चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई पॉलिसी अपनाएंगे तो वो सबको अफेक्ट करेगी, तो इसीलिए जो वेस्ट ने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई है उसने भारत के एक्सपोर्ट्स को भी अफेक्ट किया है। इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है और एक्सपोर्ट मार्केट्स भी चेंज होते जा रहे हैं हमारे। क्यों? क्योंकि जो हमारे मार्केट्स थे यूरोप के, यूएसए के, वहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी लगी है जिसके तहत वहाँ से हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो हमको नए मार्केट ढूंढने पड़ रहे हैं और इसके चलते भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, उस पर बर्डन बढ़ रहा है, फिजल डेफिसिट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमने स्टेबिलिटी बना रखी थी वो अब डगमगा सकती है। भारत ने हाल ही में अपने बजट में कुछ हद तक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई है, जैसे कि उसने एक क्लॉज लगाया है कि भाई आप अगर डोमेस्टिक कंटेंट लेंगे तो ही आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो यानी कि फोर्स किया गया है कि आप डोमेस्टिक कंटेंट ज़्यादा बाय करें और कुछ टैरिफ और ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया है जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अच्छा करा जा सके। इन दो पॉलिसीज के चलते भारत ने भी ये स्टैंड अपनाया है। तो भारत वैसे तो जनरली नहीं अपनाता, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं उन्होंने फोर्स किया भारत को इस तरीके की चीज़ें अपनाने पे। तो ये आपने इसको एड्रेस किया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के ऊपर, कह रहा है कि आप बताएं किस तरीके से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो बूस्ट कर पाएगा प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इनकम ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्म्स। तीन इसने आपको अपने आप ही एरियाज दे दिया, आपको उन तीन एरियाज में बात करनी है। सबसे पहले तो बताना है कि ये प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएगा, फिर आपको बताना है ये प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएगा, और आखिरी में आप बताएं कि भाई ये फार्मर की आय को किस तरीके से इंक्रीज करेगा जो कि हॉर्टिकल्चर फार्म में काम करते हैं। और फिर इस चीज पे आप बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये फार्मर की आय को बढ़ाएगा तो किस हद तक इसने इस चीज को बढ़ाया है। यहां पे आपको असेस करना है, इसका मतलब आपका जो भी
कंप्लीट मुद्दे पे कुछ आइडिया है उसको यहाँ पे लिखें और उसको बैक करें एविडेंसेस के साथ, अपने पक्ष को मजबूत बनाएं। तीन भाग में सवाल टूटता है। जो बैकग्राउंड है वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उसके बाद पहला भाग है कि किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और हॉर्टिकल्चर फार्म की इनकम बढ़ाएगा। दूसरा भाग है कि कैसे ये किस हद तक फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में लाभदायक साबित होगा। अप्रोच आपकी है, सबसे पहले हॉर्टिकल्चर होता क्या है, फिर उसके बाद इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है हमने क्यों शुरू किया, क्या इसके रोल है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में, इसी में आप तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से सुझाव देंगे। तो देखिए, मैंने बताया है कि एक तरीका जिससे आप वेजिटेबल फ्रूट और फ्लावर्स को उगाते हैं इसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, यानी कि कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। भारत पे क्या इम्पैक्ट है, हॉर्टिकल्चर कुछ वक्त से हमारा मेन ग्रोथ इंजन की तरह इमर्ज हुआ है और लास्ट 2 डेकेड्स में अगर देखें हम तो इसने प्रोडक्शन को एकदम से बढ़ाया है। हॉर्टिकल्चर करीब 30.4% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एग्रीकल्चर से आती है जीडीपी उसका, और इसके अंदर करीब 13% टोटल क्रॉप एरिया है और करीब 20% जो लेबर फोर्स है उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपने डेटा दे दिया जिससे कि आपने ये बताया हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, और इसी के तहत हमने लॉन्च किया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो प्रमोट करता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के एक होलिस्टिक ग्रोथ को, पूरी तरीके से हर एरिया में फोकस करते हुए इस हमको इस वाले पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो कराना है। मिशन कहता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और हम इम्प्रूव करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की क्वालिटी को, और कैसे करेंगे, नए नए इंटरवेंशंस लाएंगे वहाँ पे, हो सकता है साइंटिफिक इंटरवेंशन हो, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो। स्कीम और फोकस करता है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिससे कि हार्वेस्ट के बाद की चीज़ें आप आराम से मैनेज कर पाएँ, आपको सही एग्रीकल्चर प्राइजेज मिल पाएँ। कुछ हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि ये क्या है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा, कैसे आप अपने हॉर्टिकल्चर फार्म को बेहतर कर पाएँ, कैसे प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ, कैसे आप यील्ड बढ़ा पाएँ, ये सब चीज़ें ये बताएगा और एक होलिस्टिक ग्रोथ पे ये फोकस कर रहा है इस सेक्टर की। फिर उसके बाद क्या इसका रोल रहा है प्रमोट करने में, ओवरऑल शेयर जो हॉर्टिकल्चर का है और अगर उसको मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में मानूँ तो वो 30% के करीब हो गया है, यानी कि आप देखिए अगर इतना कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर तो करीब इसका 30% जो है वो हॉर्टिकल्चर से आता है, बाकी जो बहुत सारे एरियाज़ हैं बी कीपिंग और एग्रीकल्चर नॉर्मली वो सबसे 70% आता है, अकेला ये सेक्टर 30% कंट्रीब्यूट करता है। करीब 17% ये फार्म के लैंड को इस्तेमाल करता है, जो हमारी कंट्री है वो इसी सब के चलते कुछ चीज़ों में बहुत आगे निकल गई है, जैसे कि मैंगो के प्रोडक्शन में, बनाना के प्रोडक्शन में, पपीते के प्रोडक्शन में, कैश्यू नट के प्रोडक्शन में और सुपारी के प्रोडक्शन में। तो इन सब चीज़ों के चलते इनकम्स बेहतर हुई हैं फार्मर की, अर्बनाइजेशन इफेक्ट आया है और लोगों के कंजम्पशन पैटर्न में हमने चेंज लाने की कोशिश की है, अब लोग फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा खा रहे हैं, जो एक हेल्दी हैबिट भी है। उसके अलावा जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स है उनको यहाँ पे लीड में रखा गया है कि भाई आप ज़्यादा उगाएं, और वही लीड में है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ज़्यादा उगा रहे हैं, जिसके तहत ज़्यादातर जो लैंड है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंडर आ रहा है और उसको इरिगेट करा जा रहा है, क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में काफ़ी सारा लैंड रखते हैं अपने पास, और भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग मौजूद हैं वो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, अगर हम फार्मर की अलग अलग कैटेगरीज को देखें तो। हॉर्टिकल्चर मिशन ने साथ में रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई हैं फार्मर के लिए। कुछ डेटाज ये भी बताते हैं जब फार्मर ने शिफ्ट किया है हॉर्टिकल्चर की तरफ तो उनकी आय जो है वो बढ़ी है, उनकी इनकम बढ़ी है। उसके अलावा जहाँ भी हॉर्टिकल्चर की शिफ्ट करने का आपके मन में आए हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने को तैयार हैं, सरकार कहती है ये, हम आपको रुपए के टर्म में हमेशा मदद करेंगे, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे जिससे बस आप अपना काम करें, आप वहाँ पे वो क्रॉप्स उगाएं और अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो ये सरकार ने किया है, इस मिशन के तहत ये सब चीज़ें अचीव की गई हैं। तो क्या क्या और होना चाहिए, देखिए मैंने कुछ यहाँ पे मेजर्स लिखे हैं। सबसे पहले आपको प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी देना पड़ेगा जिससे कि आपकी यील्ड बढ़ सके। उसके अलावा आपको और ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि अब उसके तहत प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है तो ज़रूरी है उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा बढ़ें, फार्मर का इससे लिंक ज़्यादा हो जिससे कि जो भी प्रोडक्ट है उसमें अच्छा वैल्यू एडिशन हो पाए, और उसके तहत
फार्मर को भी अच्छे रिटर्न मिल पाए। सरकार को एक अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के तहत एक चीज़ करने को मिली है कि उन्होंने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को एस्टैब्लिश किया है। ये फंड से क्या होगा, अगर जहाँ भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आते हैं, हम इसके थ्रू आपको हेल्प करके प्राइजेज आपको वही दिलवाएंगे जो आपको एक्चुअल मिलने चाहिए थे। उस प्राइस फ्लक्चुएशन से किसान किसी भी तरीके से सफ़र नहीं करेगा। इंश्योरेंस को और ज़्यादा पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है, प्राइस के और ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो अगर हम इस चीज़ को करें तो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर और ज़्यादा ग्रो करेगा, और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इतनी क्षमता है कि वो गरीबी को हटा सके, वो हमारे देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ा सके और वो फार्मर की आय को बढ़ा सके। हम लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी में ये फोकस किया है कि फार्मर की इनकम को हमें डबल करना है। अगर हम हॉर्टिकल्चर को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें तो ये विज़न हमको अचीव करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने बढ़िया तौर पर इसको एड्रेस किया। अब अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है, पिछले कुछ समय से हो ऐसा रहा है कि हम लोग कुछ गिने चुने फसलों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। तो इसको आपको पूरी चीज़ को बताना है कि हम कहाँ पे किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और उससे कैसे हमारे जो है क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। और इसको आपको जो कंटेक्स्ट में बात करनी है वो है मिलेट प्रोडक्शन के, यानी मोटे अनाज के उत्पादन के कंटेक्स्ट में आपको पूरी बात करनी है, कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कैसे उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। इलैबोरेट यहाँ पे कीवर्ड है, तो आपको छोटे छोटे हिस्से कर देने हैं। यहाँ मैंने आपके लिए वो कर दिए हैं। अब आपको इन दोनों हिस्सों पे बात करनी है। पहला हिस्सा तो है कि अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कुछ विशेष फसलों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ज़्यादा उस पर फोकस आ रहा है और क्रॉपिंग पैटर्न आपका उस अनुसार बदलता जा रहा है। तो इस पर बात करें, कैसे कहाँ पे जोर दे रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे क्रॉपिंग पैटर्न बदल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें कि कैसे मिलेट के प्रोडक्शन से और कंजम्पशन से इस चीज़ पे असर पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बात करें तो सबसे पहले MSP की बात करें। क्यों? क्योंकि MSP एक वो चीज़ है जिसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए, अगर आप चावल के लिए, आप गेहूँ के लिए मान लीजिए ₹100 पे फोकस करते हैं कि आप पर केजी अगर ये हमारे पास लाएंगे हम ₹100 देंगे, वहीं पे आप दाल पे, आप ऑयल सीड पे कहते हैं कि भाई वो अगर तुम हमारे पास लाओगे तो हम तुम्हें ₹50 देंगे पर केजी। तो किसान यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है, वो कहता है यार अगर मैं चावल या गेहूं में से कुछ उगाऊं तो मेरे को ₹100 तो मिलने ही हैं, वहीं पे अगर मैं दाल उगाऊं या ऑयल सीड कुछ उगाऊं तो मेरे को ₹50 ही मिलेंगे, मेरी इनकम आधी हो जाएगी। तो क्यों ना मैं अपने लैंड पे थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करके या तो वीट उगाऊं या फिर राइस उगाऊं, उससे होगा क्या, मेरे पास पैसा अच्छा आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये वाली लैंड जो है वो सूटेबल नहीं थी राइस के लिए और नहीं थी वीट के लिए। उस पे उगना चाहिए था पल्स या फिर ऑयल सीड्स या फिर उस पे क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए था, लेकिन लगातार वही क्रॉप उगती रही, इसीलिए ये ज़मीन जो है वो बंजर पड़ गई, उसकी फर्टिलिटी चली गई और इसी वजह से कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स पे ही फोकस किया जा रहा है। तो यही आपका पहला भाग था और MSP इसमें किसी ना किसी तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो मैंने बताया ये MSP है। उसके अलावा आपको बताना है, जैसे MSP को अगर हम नहीं लिंक करते मार्केट के डायनेमिक्स के साथ तो क्या होता, कंजम्पशन ऑफ मिलेट का क्या होता है सिग्निफिकेंस, यहाँ पे आपको मिलेट की बात करनी है और मिलेट के प्रोडक्शन को रिवाइव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसकी आपको यहाँ पे बात करनी है। तो देखिए, MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एक इफ़ेक्टिव वे है। वीट और राइस पे हमने ज़्यादा किया था। जब भी हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोई भी क्रॉप प्रोक्योर करता है तो उसके तहत वो कुछ मिनिमम डिसाइडेड रुपए तो आपको देगा ही देगा, जिससे कि जो आपका किसान है वो मार्केट में चल रहे प्राइस के ऊपर नीचे से बच जाएगा और उसको उसके तय किए हुए प्राइस मिल जाएंगे। लेकिन MSP का इंटेंशन तो अच्छा था पर उसने मार्केट को डिस्टॉर्ट कर दिया है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया, जो भी MSP ज़्यादा हमको देते हैं, किसान कोशिश करते हैं हम वही वाले क्रॉप्स उगाएं और इससे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स पे ही फोकस बढ़ता जा रहा है। अगर आप MSP को नहीं लिंक करेंगे मार्केट डायनेमिक्स के साथ तो समस्या हो जाएगी। जैसे आज क्या हो रहा है, जो MSP है वो लिंक की गई है फार्मर की इंटरेस्ट के साथ, जबकि उसको लिंक करा जाना चाहिए था मार्केट के डायनेमिक्स के साथ कि अगर मार्केट में अभी डिमांड दाल की ज़्यादा है, पल्स की ज़्यादा है, तो फिर MSP दाल पे ज़्यादा होना चाहिए था।
अगर हम इस ट्रेंड को करते तो हमारा जो डिस्टॉर्शन है वो नहीं देखने को मिलता। पर अभी क्या हुआ है, देखिए अभी वीट और राइस 2005 से 15 के बीच में वो इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उन्होंने बाकी जो भी अनाज उगते उन सब का एरियाज काफ़ी हद तक खा लिए हैं। सोयाबीन नहीं उगता आजकल, मिलेट का प्रोडक्शन कम हो गया, पल्स का प्रोडक्शन कम हो गया, ऑयल सीड का प्रोडक्शन कम हो गया है। हमने पिछले साल के पेपर में एक और क्वेश्चन देखा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस पे, तो यानी कि ये मुद्दा लगातार चल रहा है कि इन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। मिलेट का अब आया है आपके सामने क्वेश्चन, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि राइस और वीट जो है वो MSP के चलते इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस क्या होगी, देखिए मिलेट की, मिलेट में क्या क्या मोटे अनाज होते हैं जैसे कि रागी, बाजरा और ज्वार, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें ग्लूटेन नहीं होता, ये आपके पेट में जाके एसिड नहीं बनाते, एसिडिटी नहीं करते, ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और आज की लाइफस्टाइल जहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर लोग IT फर्म्स में हैं या फिर कहीं पे हैं अर्बन एरियाज़ में, तो उनको बहुत लंबा समय बिताना पड़ता है बैठे बैठे, तो उनके लिए ज़रूरी है ऐसा फूड वो कंज्यूम करें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिससे कि उनकी बॉडी अच्छे से उनके ट्रेंड से रिस्पॉन्ड कर पाए। ग्लूटेन फ्री होने की वजह से जो भी आदमी सेलियाक डिजीज़ से बच पाएंगे। देखिए चावल और गेहूं खाने से सेलियाक डिजीज़ की जो है अक्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे होगा क्या, इससे आपको पेट में दर्द रहेगा, आपको दस्त की शिकायत रहेगी, आपका कद छोटा रह जाएगा, आप थकान महसूस करेंगे, लिवर आपका सही से काम नहीं करेगा, ज़रा सा मुड़ने पे आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो ये समस्या है सेलियाक रोग की, ये गेहूं में, ये राई में, ये आपके चावल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसके पीछे मेन कॉज है ग्लूटेन। लेकिन जो मिलेट है वो ग्लूटेन फ्री है, वो इस तरीके के आपको बीमारियां नहीं लगने देंगे। जो मिलेट है वो आपके बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है, जिससे होता क्या है, आपको डायबिटीज़ के खतरा जो है उसकी रिस्क कम हो जाती है। फिर उसके बाद मिलेट एक रिच सोर्स है मिनरल्स का, जैसे कि उसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सभी ये सारे मिनरल्स मौजूद हैं। रागी जो कि फिंगर मिलेट है वो बहुत रिच है कैल्शियम में, बाजरा आयरन में बहुत रिच है, इसमें डाइट्री फाइबर्स हैं, विटामिन हैं बहुत सारे, बीटा कैरोटीन, तो विटामिन B6 आप एक दो इसमें से याद कर लें और लिख दें। उसके अलावा इसमें लेक्टिन की बहुत हाई मात्रा है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम मजबूत बनता है। इसीलिए अगर आप इसको लगातार खाते रहेंगे तो मैल न्यूट्रिशन के शिकार नहीं होंगे, जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ भारतीय पॉपुलेशन आज है। उसके अलावा इनको मोटा अनाज कहा गया है, इसका मतलब ये कठिन से कठिन समस्याओं में भी जीवित रह सकती हैं, यानी कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप हैं। अगर आपका सूखा पड़ेगा, बारिश बहुत कम होगी, तो भी ये उग जाएंगे। इनको मिरेकल ग्रेन्स भी कहते हैं, इनको क्रॉप ऑफ द फ्यूचर कहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में पानी की समस्या होने वाली है। ये वाले क्रॉप तो बिना पानी के उग जाएंगे, राइस का अस्तित्व खत्म होने वाला है, क्योंकि वो पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इसको दो पर्पसेस के लिए आप उगा सकते हैं, एक तो खुद के खाने के लिए, एक फॉडर यानी कि जानवरों के खाने के लिए। ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ा देता है, क्योंकि अब दो जगह आप उसी चीज़ को बेच सकते हैं। उसके अलावा ये फूड सिक्योरिटी लाता है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी लाता है, किसान जब ये चीज़ों को बेचेगा तो वो ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, उसकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो इसी सब के तहत सरकार कोशिश कर रही है कि लगातार के मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और ये चिंताजनक बात सामने कब आई, जब हमने देखा कि भाई 1965-66 के आसपास 36.90 मिलियन हेक्टेयर्स हमारा जो है कल्टीवेशन था मिलेट्स का, लेकिन अगर 16-17 में हम देखें उसी को तो सिर्फ 14.72 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। समस्या बड़ी है भाई। अब ये मिलेट का कंजम्पशन चेंज क्यों हुआ, जो हमने सारी बातें की, MSP हो गया है, डाइटरी हैबिट्स लोगों की चेंज हो गई हैं, उनको रोटी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, मिलेट्स की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि मिलेट्स जो है कम तौर पे उगाए जाते हैं तो वो कम मिलते हैं मार्केट में, यील्ड कम है, डिमांड की कमी है, MSP इस पे कम है, ये सब चीज़ों के चलते राइस और वीट ज़्यादा उगाए जा रहे हैं। तो सरकार ने डिसाइड किया कि हम 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दें, यानी कि ये हमारा राष्ट्रीय वर्ष है मिलेट्स का, मोटे अनाज का। अगर कभी आने वाले समय में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आप मानेंगे ये मोटा अनाज जो है, जो मिलेट है, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होगा,
जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमको जब प्रमोट करना है मिलेट को, तो इसके तहत हमको क्या चीज़ होनी चाहिए? सरकार ने इसको MSP में इंक्लूड किया है, उसके अलावा मिड डे मील में कुछ हद तक मिलेट्स को भी जगह दी गई है, और उसके अलावा नीति आयोग के रिकमेंडेशंस पे ये डिसाइड किया गया है कि भाई हम इसके सब मिशंस भी बनाएंगे। इसके अंदर छोटे छोटे मिशन बनाएंगे जो कि न्यूट्री सीरियल्स पे फोकस करेंगे, और उससे जागरूकता भी बढ़ेगी। अभी देखिए, एक मिशन है ऑलरेडी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कोर सीरियल का है, जो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। एक तो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन मक्का और जौ का, और उसके अंदर सब मिशन है जो न्यूट्री सीरियल्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें ज्वार, बाजरा, रागी है, और छोटे मोटे मिलेट जिसमें कुटकी, कोडो, सावा, करी, चीना, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। मिलेट मिशन जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर आएगा। 2019 में एक्सपेक्टेड था ये रोल आउट हो जाएगा और कुछ साल तक चलेगा। कुछ राज्यों ने तो ऑलरेडी इसके लिए स्टेप्स ले लिए हैं, जैसे कि आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, और वैसे उड़ीसा है जिसने अनाउंस किया था कि हम भाई 100 करोड़ रुपए मिलेट मिशन 2018 के अंदर अलॉट करते हैं, और आपको इस पैसे से मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अब हम सब सब कुछ देख चुके हैं, तो ये एक और बात हम समझ लेते हैं कि भाई मिलेट इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे संयुक्त राष्ट्र ने सब कुछ देखते हुए ये एग्री कर लिया कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट करेंगे 2023 में। तो इससे आप समझ सकते हैं मिलेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और उनको उगाना चाहिए। जो नए ट्रेंड हैं वो सही नहीं है, उनको छोड़ के आपको अच्छे और हेल्दी ट्रेंड की तरफ बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहीं तक रखूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपको आंसर राइटिंग के अप्रोच समझ में आ रही होगी, और आपके आंसर्स बेहतर हो रहे होंगे। आप मेरे साथ इतनी देर बने रहे, आपने इस वीडियो से फ़ायदा लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हेलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं अपनी पुरानी लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग UPSC के पूर्व वर्षों के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से वर्ष 2018 का GS 3 का डिस्कशन, और ये भी इसका तीसरा भाग है। इसमें शुरुआत के दो भाग हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सवाल नंबर 14 तक मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किए, उनको छोटे भागों में तोड़कर उनकी नीड को समझते हुए उनका आंसर तैयार किया। आज तीसरे भाग में उससे आगे के सवाल हम लेंगे और अपनी ये वाली लेक्चर सीरीज समाप्त करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो हम उसको इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल चलता है दोस्तों, और ये जो चैनल है ये एकदम मुफ्त है। यहाँ पे सभी इनिशिएटिव्स हम लोग एकदम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बस करना ये है कि टेलीग्राम डाउनलोड करके ये चैनल ज्वाइन करना है, और दिए गए सभी इनिशिएटिव्स का आप अच्छे से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज का लेक्चर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आज मैं क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, जो सवाल है ये बात करता है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। कह रहा है इन दिनों बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारा देश कुछ ज़्यादा ही एक्टिवली काम कर रहा है। तो भाई इतनी एक्टिविटी क्यों हो रही है इस फील्ड में, क्या पोटेंशियल है इस फील्ड का, ये आपको यहाँ बताना है। उसके अलावा किस तरीके से ये जो इसमें इतना एक्टिवली काम हो रहा है वो बायोफार्मा को मजबूती प्रदान करेगा, किस तरीके से वो उसको बेनिफिट करेगा। कीवर्ड आपका कोई है नहीं, अगर मैं बात करूं सवाल को हम दो भाग में तोड़ते हैं। सबसे पहले तो फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे बात करनी है आपको। आपको ये बताना है इस फील्ड में जो है इतनी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों देखने को मिल रही है, और ये जो एक्टिविटी हो रही है इससे किस हद तक आपका जो बायोफार्मा का फील्ड है, माफ़ कीजिए, ये बायोफार्मा का जो आपका फील्ड है वो किस हद तक इससे बेनिफिट हो पाएगा। तो ये दो भाग में क्वेश्चन पूछा है, आपको दोनों भागों को अच्छे से आंसर करना पड़ेगा। तो उसमें आपका जो अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, भारत के कमिटमेंट बताएं, मतलब भारत अपने आप को किस पायदान पे देखता है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, फिर आप बताएं क्या एडवांटेज है इस बायोटेक्नोलॉजी की, और सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इस बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, और ये जो एडवांटेज है इसी के तहत आप बताएंगे कि बायोफार्मा में कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करेगी। तो देखिए, जब अपन इंट्रोडक्शन पे नज़र डालते हैं तो ये कह रहा है भारत जो है
उसने अपने आप को कमिट कर रखा है कि वो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत काम करेगा, और ये हम उसके रिसेंटली देखे गए इनिशिएटिव से पता लगा सकते हैं कि भारत में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो बहुत कम ही देशों में आपको देखने को मिलता है। पर भारत में इस डिपार्टमेंट के मौजूद होने से आप ये कह सकते हैं कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड को बहुत ज़्यादा एक्टिवली परस्यू करने चाहते हैं और फ्यूचर में इसके अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं। अब मैं अगर एडवांटेज की बात करूं और एप्लीकेशंस की बात करूं तो देखिए इसकी कुछ एडवांटेज यहां पे हमने लिखी हैं। सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये हम लोगों ने कहां देखे थे, इसकी शुरुआत हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, कुछ ऐसे क्रॉप्स जो बीमारियों से रेजिस्टेंट हैं, उनमें बीमारियाँ नहीं लगती। टिश्यू कल्चर, यानी कि अगर एक लीफ में आप किसी तरीके का कोई बदलाव लाना चाहते हैं, उसे किसी चीज़ से रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो आप बाहरी तौर पे कोई टिश्यू उसमें अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जिससे वो कई चीज़ों से रेजिस्टेंट हो जाता है, कई चीज़ों से वो बच जाता है। तो ये टिश्यू कल्चर, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुआ क्या है, जो क्रॉप फेलियर्स हैं वो कम हो गए हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई है एग्रीकल्चर में भी और हॉर्टिकल्चर में भी। और ये सब संभव किसने कर दिखाया है भाई, कोई और नहीं, बायोटेक्नोलॉजी ही है जिसने ये सब आपको आज करके दिया है। उसके अलावा अगर आप और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बात करें तो बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, इन लोगों ने भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत काम किया है, और साथ ही साथ आपकी जो सॉइल है और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा है, और यहाँ भी जो योगदान है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। फिर हम बात करते हैं स्टेम सेल और जीन थेरेपी में। दोस्तों, स्टेम सेल थेरेपी पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी, हमारे ही पुराने एक वीडियो में क्वेश्चन था यूपीएससी का, तो हमने आपको बहुत अच्छे से अंदर तक तह तक जाके समझाया था, वो वीडियो देखें तो आपको इससे संबंधित सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो भाई ये जो स्टेम सेल है, जो जीन थेरेपी है, ये जो है आज के युग में बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कि कैंसर तक को क्योर करने की क्षमता रखती हैं। और ये जो थेरेपीज हैं, ये सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, ये किससे रिलेटेड हैं, ये फिर से बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हैं। अब मैं आगे बात करूं तो कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आज मार्केट में, जैसे कि बायोफ्यूल्स, जैसे कि ऐसे प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि सड़ जाएंगे, वो अगर आप फेंकें तो वो एनवायरमेंट में वैसे परसिस्ट नहीं करेंगे। ग्रीन रेमेडिएशन टेक्निक्स आई हैं वाटर की। उसके अलावा ये जो गोल हैं, ये इस पे फोकस करते हैं कि आप कैसे हर चीज़ का विकास सस्टेनेबल बना पाएं, यानी कि आप पर्यावरण में मौजूद सभी चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसका लाभ उठा पाए। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टडीज़ हैं उन्होंने कुछ और चीज़ पे और ज़्यादा महत्व डाल दिया, जैसे कि बायोटिक डाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन पे। आपके देश में जो बायोटिक डाइवर्सिटी है और उसके कंजर्वेशन है, उस पे ज़्यादा महत्व डालने में भी बायोटेक्नोलॉजी का ही हाथ है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड कितने अलग अलग एरिया से रिलेटेड है, उससे मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि भाई इसका स्कोप कितना बड़ा है। तो ये आज के युग में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इस पे एक्टिवली काम होना ही चाहिए, जो मेरा क्वेश्चन का पहला भाग था, तो इससे वो उस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह डील कर पाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने और चीज़ें बताई, जैसे कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इस पे भी अच्छा फोकस हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, नया मटेरियल प्रोड्यूस करना, कुछ ऐसा मटेरियल प्रोसेस करना जो पर्यावरण से सिंक करे, बायो एनर्जी केमिकल्स प्रोड्यूस करना, कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि जो दवाई होती हैं या दवाइयों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स, वहाँ पे भी बायोटेक काफ़ी अच्छा काम करती है। कुछ और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हैं जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी में भी बायोटेक्नोलॉजी एंटर कर चुकी है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब कोई ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी जिसकी साइज 10 nm से कम है, उसकी सभी स्टडी या उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, और उसमें भी आज बायोटेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ली है। तो अगर मैं सब कुछ जोड़ जाड़ के बोलूँ, नटशेल में बोलूँ, तो आज के युग में बायोटेक्नोलॉजी के इतने सारी एप्लीकेशन हैं कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके देश को उस पर अच्छे से काम करना ही पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में तरक्की चाहते हैं, और आपको सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि कुछ कोर्सेज डेवलप किए, कुछ डिपार्टमेंट्स डेवलप किए यूनिवर्सिटीज़ में जो फोकस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे। उसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट पे आपने ज़्यादा जोर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर
आपने ऐसा बनाया जिसके तहत आप बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को ग्रो करा सकें। अगर फूड का सेक्टर लें, न्यूट्रिशनल साइंस लें, तो उसने डीबीटी में यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने उस एरिया में रिसर्च बढ़ाई है, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उसके अलावा हम कॉन्स्टेंटली आजकल डायलॉग कर रहे हैं इंटरनेशनल पार्टनर्स से अपने, जिससे कि वहाँ का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बायोटेक्नोलॉजी में भारत में आ सकें और भारत जो इनोवेशंस कर रहा है उससे पूरे दुनिया को फ़ायदा हो पाए। तो हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं विद इन द नेशन एंड आउटसाइड द नेशन ऑल्सो। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो ग्रांट प्रोवाइड करता है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, पैसा देता है भारतीय कंपनियों को, जिसके तहत वो इंटरनेशनल पेटेंट के लिए काम कर सकें, वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट कवर कर सकें। उसके अलावा हम लोग फोकस कर रहे हैं बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने पे, जिसको सेम प्रावधान मिलेंगे जैसे आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को मिलते हैं रिलेटेड टू टैक्स या रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जो सरकार यहाँ पे फोकस करती है वही फोकस आपको बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क्स को मिलेंगे। उसके अलावा अब बात आती है सवाल के दूसरे भाग की। पहले में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख डाली। दूसरा है बायोफार्मा, कैसे बायोटेक्नोलॉजी बायोफार्मा को अफेक्ट करेगी। देखिए बायोफार्मा जो सेक्टर है वो किससे डील करता है, वो करता है ड्रग्स से डील, मेडिकल ड्रग्स यानी कि बीमारी को ठीक करने वाली जो दवाएँ होती हैं बायोफार्मा सेक्टर उससे डील करता है। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हम इस तरीके की दवाई प्रोड्यूस कर पाएँ जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। अगर एक गरीब आदमी है तो आज वो महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं ले पाता और अपनी बीमारी को इग्नोर करता रहता है ये सोच के कि यार मेरा बहुत पैसा खर्च होगा, कौन इतनी दवाइयाँ ले। तो अगर आप इस मेडिसिन को कर देंगे अफोर्डेबल तो आप अपने आप ही इसको कर पाएंगे एक्सेसिबल, यानी कि हर आदमी की पहुँच में हो पाएगी ये। तो बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसे इंटरवेंशन कर सकती है जिसके तहत मेडिसिन अफोर्डेबल हो जाए और फाइनली एक्सेसिबल हो जाए और हर एक गरीब आदमी उसका फ़ायदा उठा पाए। फिर देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने कुछ प्रोग्राम निकाले हैं इंडस्ट्री और एकेडमिया को एक साथ कोऑर्डिनेट करवाने के लिए। इंडस्ट्री और एकेडमिया जो है यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। एकेडमिया रिसर्च करेगी, वो रिसर्च अपनी इंडस्ट्री के पास भेजेगी, इंडस्ट्री उसी अनुसार आगे डेवलपमेंट कर सकती है। उसके अलावा डीबीटी कोशिश कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप इसमें बढ़ सके, भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग बायोफार्मास्यूटिकल्स की बढ़ सके, और इन सभी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा हमारी R&D लगातार बढ़ती चली जा रही है बायोफार्मा में। भारतीय कंपनी आजकल बहुत ज़बरदस्त और नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा भाई वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी हमने अपना स्थान ऑक्यूपाई कर रखा है और हम आज लीडर की तरह वहाँ पे खड़े होते हैं। तो डिमांड जिस हिसाब से बायोफार्मा की बढ़ रही है, बायोटेक्नोलॉजी की बढ़ रही है, तो बहुत ज़रूरी है हम उस पर ध्यान दें, कैपेबिलिटीज़ अपनी इंक्रीज़ करें, अपने रिसर्च डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो अभी कमज़ोर हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें, मैन पावर की जहाँ पे अभी कमी है बायोफार्मा सेक्टर में उसको इम्प्रूव करें। और इस सब को देखते हुए अगर आपने थोड़ा सा इस फील्ड में प्रयास कर लिया, एक्टिवली आप इन्वॉल्व हो गए, तो ये बात निश्चित है कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे विश्व का फ्यूचर है और आप उस फ्यूचर के लिए लीडर के तौर पे इमर्ज होकर सामने आ पाएंगे, इसीलिए हम बायोटेक्नोलॉजी पे इतना जोर दे रहे हैं। अब देखते हैं अगले सवाल को। ये सवाल है हमारी एनर्जी नीड्स के संदर्भ में। कह रहा है कि भाई भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उस एनर्जी नीड्स के संदर्भ में ज़रूरी है कि आप अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को बढ़ाएं, और उससे संबंधित ये जो आपका स्टेटमेंट आया है इससे संबंधित आपको सभी फैक्ट्स पे बात करनी है और न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए क्या डर हैं लोगों के मन में उस पे बात करनी है। देखिए दोस्तों, हमने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अपने वीडियो में अच्छे से चर्चा की थी। इससे पिछले इससे पहले के कुछ वीडियोस में न्यूक्लियर एनर्जी को लेके हमने उसके 3 स्टेज प्रोग्राम को लेके इन सब पे अच्छे से चर्चा की है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखें, भले ही डिस्क्रिप्शन में न्यूक्लियर एनर्जी सर्च कर लें, जहाँ भी आपको मिले आप उस वाले पार्ट पे जाके इस वीडियो को देखें, उससे आपको न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। 3 स्टेज जो न्यूक्लियर एनर्जी का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके अलावा डॉक्टर होमी भाभा हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के
फाउंडर हैं इनके बारे में, तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो एनर्जी है वो जब मिलती है तो उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, किस किस तौर पे हमको एनर्जी मिलती है। सबसे पहले जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है फॉसिल से भाई, लेकिन समस्या है आप कोयला जलाएंगे, कोई फॉसिल फ्यूल जलाएंगे तो उससे इतनी जीएचजी एमिट होगी कि आपके पर्यावरण को नुकसान होगा। तो फिर क्या करें भाई, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे क्यों नहीं स्विच कर लें, उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब मेरा है सोलर या फिर विंड, पर इसमें अपनी खुद की समस्या है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है से क्या मतलब मेरा, देखिए अगर मान लीजिए आज सूरज निकला, आपने थोड़ी सी सोलर एनर्जी ट्रैप कर ली सोलर सेल में, लेकिन फिर 4 दिन बादल छाए रहे तो आपका सूरज नहीं दिखेगा, तो आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है कि कल को एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये एक समस्या है। विंड में भी ये है कि हवा चल रही है तो ठीक है, नहीं चली तो फिर कहाँ से आप उसको ट्रैप कर पाएंगे। फिर आती है तीसरी, जो कि है बायोमास। भाई बायोमास टाइप चीज़ें मतलब गोबर गैस, ये भी अच्छी फॉर्म है, लेकिन इसमें भी समस्या है। इसमें समस्या ये है कि इसमें कन्वर्जन रेट बहुत स्लो है, इसका मतलब ये जो पदार्थ हैं इससे आप एनर्जी निकाल पाएँ तो ये बहुत समय लेता है, इतना समय आज के युग में किसी के पास है नहीं। तो बचा क्या भाई, एक और तरीका बचा है, क्यों ना हम न्यूक्लियर की तरफ स्विच कर लें। हाँ न्यूक्लियर एक अच्छा पोटेंशियल रखता है, एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। इसका जो वेस्ट है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर आपका सॉइल में चला गया या फिर किसी प्लांट पे चला गया या फिर आप समझ लें किसी भी तरीके से एनिमल या ह्यूमन की बॉडी में चला गया, तो फिर ये बहुत ही भयंकर बीमारियां कॉज करने की क्षमता रखता है, कैंसर जैसी बीमारियां या फिर कोई नॉन क्यूरेबल बीमारियां ये कॉज कर सकता है। तो इसके संबंधित भी कुछ डर तो हैं, उन डर पे आपको बात करनी है। उसके अलावा आपको कुछ फैक्ट्स इस संदर्भ में बात करने हैं कि इंडिया की जो एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं उसके चलते न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। तो इसमें आपका कीवर्ड है डिस्कस, उसमें आपको एग्जॉस्टिव रहना है लेकिन सटीक रहना है। और उसके अलावा दोस्तों, ये मैंने आपको जो दो भाग बताए इसी दो भागों में सवाल टूटेंगे, फैक्ट और फियर बताएं और भारत को क्यों अपनी एनर्जी नीड बढ़ानी है। तो अप्रोच आपकी सीधी रहेगी, सबसे पहले भारत की एनर्जी नीड अभी क्या है ये बताएं, क्या एडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर एनर्जी की ये बताएं, और फिर उसके बाद इसी न्यूक्लियर एनर्जी के क्या डर हैं ये बताएं, और अंत में जो भी आपने पक्ष लिया है उसी को मजबूती प्रदान करें। तो देखिए शुरुआत में मैंने भारत की एनर्जी नीड्स पे बात की है, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ती चली जा रही है, उसके अलावा हम लोग एक डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में पड़ते हैं यानी कि विकासशील देश हैं, तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एनर्जी की भरपूर मात्रा में प्रेजेंस, एनर्जी हमको चाहिए अच्छी मात्रा में। तो उसके लिए हमारा जो एनर्जी का स्फेयर है उसमें हमको बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। अब अगर आप एनर्जी के स्फेयर में बढ़ोतरी करेंगे तो एनर्जी आए कहाँ से, आज के समय में क्या होता है, करीब 75% जो एनर्जी नीड्स है भारत की वो फुलफिल होती है फॉसिल फ्यूल से। भाई समस्या है, फॉसिल फ्यूल से आप फुलफिल करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलेगा और आपको इम्पोर्ट्स बहुत ज़बरदस्त करने पड़ेंगे, तो दोनों ही चीज़ें हमारे देश के लिए सही नहीं है। इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, उसके अलावा आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डगमगा जाएगा। तो इसके अलावा और क्या करें भाई, और हमारे पास भी सोर्स हैं, जैसे कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्स हैं एनर्जी के, सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर है। हालांकि न्यूक्लियर के हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अभी तक हमने करीब 1-2% ही उसको यूटिलाइज किया है। तो अगर हम इस एरिया में थोड़ा जोर लगा दें तो सोचिए हम कितना ज़्यादा पर्यावरण को भी बचा पाएंगे और साथ में इम्पोर्ट्स भी कम कर पाएंगे। तो इसी के तहत आती है एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो है ये क्लीन सोर्स, ये कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा, आपके पर्यावरण को ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसके बाद हमारी जो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी है वो कम करेगा, उससे होगा क्या, आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट सही से रहेगा और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बिगड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद सोलर और विंड के तरीके से ये ऐसा भी नहीं है कि इनकंसिस्टेंट हो, वो तो जो है वो प्रकृति के फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। प्रकृति खुश है, सूरज निकला है, बढ़िया सोलर एनर्जी आ रही है, नहीं है बादल आ गए तो सोलर एनर्जी में आपके बाधा पड़ गई, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर है तो आएगा ही। उसके अलावा न्यूक्लियर जो है इसके लिए फ्यूल यूज़ होता है यूरेनियम, तो यूरेनियम जो है वो कम मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो उतनी ही आपको एनर्जी देगा जितना कोल और ऑयल आपको देता है ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करके। यानी कि अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो बढ़िया आउटपुट किसका है, न्यूक्लियर का, क्योंकि
कम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। अब एक समस्या है दोस्तों कि यूरेनियम की रिजर्व्स हमारे पास बहुत कम हैं, तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास थोरियम के रिजर्व्स हैं। थोरियम क्या है, देखिए पहले तो ये मिलता कहाँ है, ये हमारे मोस्टली ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है और केरला में मिलता है मोनेजाइट सैंड में, मोनेजाइट सैंड जो केरला के बीचेस पे है। अब मोनेजाइट क्या है, मोनेजाइट खुद एक मिनरल है और इसी मिनरल में आपको मिलता है थोरियम। अब भाई थोरियम की आप बात कर रहे हैं, सर ये थोरियम क्या है, देखिए जो थोरियम है ये हालांकि फ्यूल नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल से हम लोग यूरेनियम बना सकते हैं और ये हमने सीखा था अपने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जो इसकी चर्चा हमने अपने पुराने वीडियो में की है, दोस्तों उसको देखें। अब यूरेनियम आपने बना लिया है तो आप आसानी से न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यूरेनियम का जो ओवरऑल कॉस्ट आता है वो कम आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी कम है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास कम कॉस्ट आएगी तो हमारे लिए एनर्जी सस्ती हो जाएगी। उसके अलावा एक और बात है, सोलर विंड और बायोमास एनर्जी के प्लांट एस्टैब्लिश करने में आपको बहुत जगह चाहिए होती है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने में कम जगह में काम हो जाता है, तो ये लैंड यूज को भी ऑप्टिमम करते हैं। उसके अलावा भारत ने अच्छा एनवायरनमेंट पहले ही क्रिएट कर रखा है न्यूक्लियर एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए। कैसे, भारत ने यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर रखी है, हमको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से कुछ वेवर्स मिले हुए हैं और उसके अलावा हमने अच्छे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं ग्लोबल एटॉमिक बॉडी से, जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इन्हीं सब कारणों के चलते भाई एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। अब आपको करना यह है कि यहाँ जोर लगा के इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, जिससे कि आप अपनी एनर्जी नीड्स के हिसाब से इस चीज़ को हार्नेस कर पाएं। पर समस्याएं यहाँ खत्म नहीं होती, कुछ चिंताएं कुछ डर भी हैं, वो डर के ऊपर यहाँ बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो डर है न्यूक्लियर एक्सीडेंट का, हालांकि अभी तक हुए बहुत कम हैं पूरे विश्व में और भारत में तो एक भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक खतरा तो है ही, खतरे के तौर पे ये हमको डर है। दूसरी बात, इसका जो वेस्ट है वो न्यूक्लियर वेस्ट है, वो है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव चीज़ जो है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां कॉज कर सकती हैं, जिसमें से एक है कैंसर। उसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट जो है उसकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, यानी कि कुछ साल वो चलेगा अच्छे से, फिर उसके बाद वो मेंटेनेंस मांगेगा, ये वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपको नया वाला एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो इसके चलते बार बार आपको उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। अब जो आदमी भी इतनी बार पैसा लगाएगा वो चाहेगा उसका पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए, तो जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है उसको बढ़ा देगा, और जिसका बर्डन किसके ऊपर आएगा, आपके और हमारे ऊपर, यानी कि कंज्यूमर्स के ऊपर। उसके अलावा जब न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लगाते हैं तो आपको एक्सटर्नल डिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, तो हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको उन दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ेगा, वो देंगे तभी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट चल पाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि कोई चीज़ के सिर्फ फायदे ही हों, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, तो इसके भी कुछ नुकसान हैं, पर ये सिर्फ फियर हैं। अगर आप इन फियर्स को अच्छे से एड्रेस कर लेंगे, अगर आप बढ़िया स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगा देंगे और अगर आप वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लगाएं, तो न्यूक्लियर आपकी फ्यूचर एनर्जी नीड्स को भरपूर तरीके से पूरा कर सकता है। फिर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कह रहा है भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस प्रकार अलग-अलग पाई जाती है। उसके अलावा कह रहा है एक एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, किस तरीके से वो हेल्प करता है वनस्पतियों के और प्राणीजात के कंजर्वेशन में या फिर संरक्षण में, यानी कि फ्लोरा और फौना के संरक्षण में। तो पहले तो आप बताएं कि भाई भारत जो है एज अ कंट्री उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, भले ही आप फ्लोरा ले लें या फिर आप फौना ले लें, इतने सारे पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं, कितने सारे यहाँ के एंडेमिक हैं जो सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं, और कितने सारे अब हम बाहर से यहाँ पे ला रहे हैं जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी और बढ़ पाए। जिसका एक एग्जाम्पल है, अभी अभी चीता हम लाने की सोच रहे हैं अफ्रीका से, और वो लाएंगे कहाँ, हम नौरादेही मिलाएंगे जो एमपी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप इस तरीके से बताएं, यहाँ पे जो हमारे हॉटस्पॉट हैं
विश्व के टोटल 35 या 36 हॉटस्पॉट हैं विश्व में, उसमें से दोस्तों चार हॉटस्पॉट भारत में पड़ते हैं, भारत उसका कहीं ना कहीं हिस्सा है। उसके अलावा आप हॉटस्पॉट की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, कि दो हॉटस्पॉट्स भी हैं भारत में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि हमारे 10 ऐसे बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज हैं जिसको हमने अलग से कैटेगराइज किया है। तो इस तरीके से आप इसकी बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस को यहाँ पे दर्शाएंगे। तो दो भाग यही है आपके, बायोडाइवर्सिटी कैसे वेरी करती है और ये जो एक्ट है 2002 का कैसे हेल्प करेगा कंजर्वेशन में फ्लोरा के एज वेल एज फौना के। तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में मेंशन करें, भारत की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, कुछ सेलियंट फीचर मेंशन करें, 10 बायो जोग्राफिक जोन्स जिसकी मैंने आपको बात की उसको मेंशन करें, और फिर बताएं किस तरीके से ये जो एक्ट है ये हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, उसके संरक्षण में हमारी मदद करता है। यहाँ पे फ्लोरा और फौना दोनों को ही लें और दोनों पे बात करें। इस सवाल में एक और चीज़ कर सकते हैं आप, एक भारत का आप यहाँ पे मैप बना सकते हैं और मैप के जरिए आप बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियाँ एग्जिस्ट करती हैं। इससे होगा ये कि आपके कम वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ें आप लिख पाएंगे, और भारत का आपने मैप बनाया है तो उससे आपके आंसर को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी। तो मैं आपको अब इंट्रोडक्शन बताता हूँ। देखिए, भारत बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में, हम कैटेगराइज होते हैं मेगा डाइवर्स कंट्री के तौर पे। हमारे पास 2.4% लैंड एरिया है सिर्फ, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि 7% पूरे विश्व की रिकॉर्डेड स्पीशीज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, और वो 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करती हैं। हम लोग बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच हैं, वेटलैंड की पकड़ लें, आप फॉरेस्ट की पकड़ लें, मरीन एरियाज की पकड़ लें, सब में आपको इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखेगी कि आप पूरी तरह इस बात से एग्री करेंगे, हाँ भाई भारत एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। फिर मैं बात करता हूँ बायोडाइवर्सिटी जो भारत में है उसके सेलियंट फीचर। देखिए, भारत 7वीं पोजीशन पे है अगर मैमल्स की बात करें, 9 पे है अगर बर्ड की बात करें, 5वीं पे है अगर रेप्टाइल्स की बात करें। उसके अलावा अगर मैं एंडेमिज्म की बात करूँ, यानी कि सिर्फ भारत में ही पाए जाने वाले वर्टिब्रेट ग्रुप, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, उसमें भारत 10वें स्थान पे है बर्ड के कंपैरिजन में, जिसमें हमारे पास 69 स्पीशीज़ हैं। 5वें स्थान पे है रेप्टाइल्स में, जिसमें हमारे पास 156 स्पीशीज़ हैं, और 7वें स्थान पे एम्फीबियंस में, जहाँ पे हमारे पास 110 स्पीशीज़ हैं। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे कितने सारे रैंक मेंशन कर दी, कितने सारे मैंने डेटाज मेंशन कर दिए, तो इसने मेरे आंसर को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान कर दी। क्रॉप में हम देखें तो 44% क्रॉप हम लोग उगाते हैं, और वर्ल्ड का एवरेज है 11% अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेस। हमारे पास जगह कम है लेकिन हम उगाते एकदम भर के हैं। फिर उसके बाद टोटल विश्व में 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, और चार उसमें से भारत में हैं, जिसमें एक है ईस्टर्न हिमालय, एक है वेस्टर्न घाट, एक है इंडो बर्मा रीजन, और एक है सुंडालैंड। हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी को रखने की जगह है, यानी कि जो लोकेशंस हैं ज्योग्राफिकली, वो इतना वेरी करते हैं। हमारे पास फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, मरीन एरियाज हैं, और डेजर्ट भी हैं। तो अब आप देखिए, हमारे पास इतने सारे एरियाज हैं तो कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी होगी। हर एरिया बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और उसके रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी भी आपको मिलती है। देखिए, अगर बायो ज्योग्राफिक जोन्स की बात करें तो टोटल 10 हैं हमारे देश में। ट्रांस हिमालयाज, जो कि तिब्बतन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, वहाँ पे आपको लद्दाख मिलेगा, वहाँ पे लाहौल और स्पीति वैलीज मिलेगी। ये भारत का 5.7% लैंडमास ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद हिमालयाज हैं, सेमी एरिड है, डेजर्ट है। आप एक और काम कर सकते हैं, जो भी आप ये बायोजोग्राफिकल जोन्स मेंशन करें उसके साथ वहाँ पे एक दो पेड़ और एक दो पौधे और एक दो आप वहाँ पे एनिमल मेंशन कर दें। जैसे कि डेजर्ट आपने उठाया तो ज़ीरोफाइट्स, या फिर मैं बताऊँ तो आप कैक्टस का मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा आप एनिमल में कैमल का मेंशन कर दें। तो आप इसमें हर एक में दो दो तीन तीन कर दें जो एक दूसरे से अलग हो, तो आपके यहाँ पे 10-12-15 नाम हो जाएंगे जो आपके आंसर को और मजबूती देंगे। फिर वेस्टर्न घाट है, वही डेक्कन पेनिनसुला है, गैंजेटिक प्लेन्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, कोस्ट हैं हमारे जिसमें भी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, वहाँ पर मरीन बायोडाइवर्सिटी भी है। उसके अलावा फिर आप अगर एक और काम कर सकते हैं, एक इंडिया का मैप बनाएं और इन 10 लोकेशंस को इंडिया के मैप पे ड्रॉ कर सकते हैं, और उससे संबंधित एक यहाँ पेड़ लिख दें, एक यहाँ जानवर लिख दें। तो इससे होगा ये कि आपके आंसर में और ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाएगी। फिर उसके बाद एक्ट की बात करते हैं। 2002 में एक एक्ट आया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। भाई, एक संयुक्त राष्ट्र का
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया था, हमने उसको साइन किया था। ये आया था 1992 में, हमने उसको साइन किया और रेटिफाई किया, और उसके अनुसार हाँ ये ज़रूरी था कि हम खुद का भी कोई एक्ट बनाएं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अपना तैयार किया 2002 में। तो ये जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उनको फुलफ़िल करने के लिए हमने अपना एक्ट खड़ा किया। फिर उसके बाद किस तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, देखिए सबसे पहले तो ये प्रमोट करता है कि आपको कंजर्वेशन करना है, आपको सूटेबल यूज़ करना है बायोडाइवर्सिटी का, और आपको सस्टेनेबल इस्तेमाल भी करना है उसका। यानी कि आप बहुत ध्यान से जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको करें। अगर आप कोई पेड़ पौधा किसी बीमारी के क्योरिंग के लिए ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आएंगे। अगर आप किसी मेडिसिनल प्लांट को ले रहे हैं, जिसको हम आम भाषा में जड़ी बूटी कहते हैं, अगर आप किसी मेडिसिनल प्लांट को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि उसको कमर्शियल फॉर्म में यूज़ करने लगे, आपने एक्सप्लॉइट कर दिया, सारे पेड़ पौधे गायब कर दिए। नहीं, इस तरीके से यूज़ करें कि आपका भी काम चल जाए और फ्यूचर के लिए भी वो बना रहे। उसके बाद हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके पास पुरानी नॉलेज है, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसके तहत वो बायोडायवर्सिटी का इम्पोर्टेंस जानते हैं, उनको कंजर्व करने की इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी नॉलेज को कंजर्व करना है। फिर इसी वाले एक्ट के तहत क्या हुआ, हमने एक थ्री टीयर स्ट्रक्चर बनाया। केंद्र के जो पायदान है उस पर हमने रखा नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को। फिर उसके बाद आया राज्यों के पायदान, यानी कि राज्यों के लेवल पे आपने रखा स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को, और सबसे नीचे लोकल लेवल पे आपने रखा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज को। ये है लोकल लेवल पे। अब ये जो आपने तीन बॉडीज बनाई हैं, ये अथॉरिटीज रेगुलेट करती हैं सभी एक्टिविटीज को, और वहां पे अप्रूवल देती हैं अगर कोई एक्टिविटी शुरू करनी हो, और सरकार को भी एडवाइस करती हैं कि भाई यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, कोई बायोडायवर्सिटी का अंग जो है वो खतरे में है, या कोई पार्ट अच्छे से प्रॉस्पर कर रहा है, कोई पार्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें एडवाइस ये गवर्नमेंट को देते हैं। साथ में इनको ऑथराइजेशन है कि ये चाहें तो किसी एक एरिया को, समझ लीजिए ये एरिया है, इसमें बायोडायवर्सिटी की बहुत ज़्यादा रेंज है, और साथ में कंजर्वेशन भी मांगते हैं, तो अगर ये वाली अथॉरिटी चाहें तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम नोटिफाई कर सकते हैं एज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसकी वजह से वहाँ पे हम कंजर्वेशन मेथड्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हम इंडस्ट्रीज़ की एस्टैब्लिशमेंट को रोक देंगे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जहाँ पे हमारे इस जगह को नुकसान पहुँचे। तो ये होता है इसका बेसिक फंडा, और इस तरीके से बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 आपकी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मैं चलता हूँ अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल कह रहा है कि भारत को डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसने कदम उठाए हैं, और इसमें एक टाइमलाइन दे रखी है। देखिए हम लोगों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क साइन किया था, जो कि खुद था 2015 से लेकर 2030 तक। अब आपको बताना है भारत के क्या स्टेप्स रहे, जो भी आपदा आती है इसको तोड़ लीजिए तीन शब्दों में तो आपको आसान हो जाएगा समझने को। डिजास्टर यानी कि जो भी आपदा आई उसका रिस्क होता है, उससे जुड़ा हुआ क्या रिस्क है, जान माल का नुकसान हो सकता है, तो उसके रिस्क को कैसे कम किया जाए इसके बारे में आपको बात करनी है। तो आपको बताना है भारत ने क्या क्या स्टेप्स अडॉप्ट किए सेंडाई फ्रेमवर्क को साइन करने से पहले, और फिर सेंडाई फ्रेमवर्क को साइन करने के बाद। तो पहले तो हमारा खुद का एक्ट था एनडीएमए एक्ट, जिसके तहत हम अपने ही लेवल पे काम करते थे, फिर हमने ये साइन कर दिया फ्रेमवर्क, तो उसके तहत हमने बनाया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, और इस प्लान के तहत हम लोग और बेहतर तरीके से कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। फिर आपको बताना है ये जो सेंडाई है ये किस तरीके से ह्योगो से अलग है। ह्योगो क्या है, इसी का प्रीडिसेसर है। सेंडाई आया 2015 में, पर उससे पहले क्या था, उससे पहले था ह्योगो। 2005 से चल रहा था ह्योगो और वो 2015 में ख़त्म हुआ। 2015 के बाद हमने शुरू किया सेंडाई। तो इन दो भाग में आपको डिस्कस करना है, तो आप शुरू करेंगे कि भारत की पहले क्या वल्नरेबिलिटी है, भारत में क्या आपदाएं आती हैं, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। 2004 में एक सुनामी आया था जिसने टोटल करीब 14 कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था, भारत भी उसमें अफेक्टेड था, बहुत बड़ी जान माल का नुकसान हुआ था उसमें। तो इस तरीके कुछ कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वल्नरेबिलिटी बता सकते हैं।
फिर बताएं डिजास्टर का रिस्क के रिडक्शन के बारे में। भारत ने क्या स्टेप्स लिए हैं सेंडाई से पहले और सेंडाई के बाद, और सेंडाई और ह्योगो में क्या फर्क है? तो देखिए, क्योंकि हमारी जियो क्लाइमेटिक कंडीशन इस आधार पर बेस्ड हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी और क्लाइमेट दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, कि भाई भारत वल्नरेबल है, ऐसी संभावना है कि हमारे हमारे ऊपर आपदा आए, और आपदा में कौन कौन सी सबसे ज़्यादा आती हैं? फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, आपको पता है हर साल आते हैं, अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। भारत का जो ऊपर का एरिया है, हिमालय के आसपास वाला ये वाला एरिया, ये बहुत ज़्यादा सीस्मिसिटी वाले जोन में है, यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। उसके अलावा लैंडस्लाइड कितनी देखने को मिलती है। तो ज़रूरी है कि हम डिज़ास्टर को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो भाई सेंडाई से पहले हमने कुछ काम किए, हमने खुद का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट चला रखा था, जो कि बेसिकली 2005 में आया। 2005 में इसकी नौबत इसीलिए आई क्योंकि 2004 में सुनामी जैसी बड़ी आपदाओं ने करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की जान ले ली थी, कितने ही लोग बेघर हो गए थे। तो फिर भारत ने सोचा हम लोग खुद का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाएं। ये एक्ट कोशिश करता है भारत को रेजिलिएंट बनाने का, कि वहाँ पे अगर आपदा आए तो हम जितनी कम हो सके उतनी कम जान का नुकसान होने दें और माल का भी उतने कम ही नुकसान होने दें। ये एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा मजबूत बनाता है, ये कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है, सभी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और अल्टीमेटली आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कम्युनिटी के साथ भी, क्योंकि कम्युनिटी ही है जो सबसे ज़्यादा फेस करती हैं। तो अगर वो आपके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी तो बहुत अच्छे से आपकी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट हो पाएंगी। और हमारी यहाँ पे अप्रोच रहती है रिलीफ सेंट्रिक, यानी कि जो हमारा केंद्र रहता है पूरी स्ट्रेटजी का, वो होता है रिलीफ प्रोवाइड करना। अगर आप रिलीफ दे पाए तो आप अपने मकसद में सफल हो पाएंगे। फिर देखते हैं सेंडाई आ गया तो हमने क्या किया। भाई सेंडाई आ गया तो फिर हमने फिलहाल ही में अभी उसी के तहत एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को लॉन्च किया है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि आधारित है सेंडाई पे ही, और इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं डिजास्टर के लॉस को कैसे कम किया जाए। इसमें चार थीम्स हैं बड़ी बड़ी। सबसे पहले तो आप समझिए कि डिजास्टर होता क्या है, कैसे आता है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप सोचिए कि उस पर आप गवर्नेंस को कैसे सुधार सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपने एक बार प्लान पॉलिसीज बना ली तो अब आप यहाँ पे लगाइए पैसा, जिससे कि आप डिज़ास्टर के रिस्क को कम कर सकें। जैसे कि अगर आप उड़ीसा में रहते हैं, आपको पता है इतने सारे वहाँ पे साइक्लोन आते हैं, तो आपको वहाँ पे साइक्लोन शेल्टर्स लगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके तहत बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। फिर आप प्रिपेयर्ड हो पाएँ इससे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाएं आप, और अंत में अगर आप ये सब कर चुके हों तो फिर ऐसी स्ट्रैटेजी भी बनाएं कि जो डिज़ास्टर आने के बाद नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई कैसे करें। इसमें रीजनल अप्रोच पे फोकस किया गया है, मतलब आपको लोवेस्ट लेवल को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करना है, तभी आप प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट को तो देखता ही है, साथ में डेवलपमेंटल प्लानिंग को भी देखता है। उसके बाद ये बहुत सारे अलग अलग फेजेस से डील करता है डिज़ास्टर के, कह रहा है कि एक डिज़ास्टर के बहुत सारे अलग अलग फेजेस हैं, सबको हमको साथ में लेके चलना है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन्फॉर्मेशन का इधर से उधर होना, मेडिकल केयर, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, रेस्क्यू, सर्च, इवैक्यूएशन, इन सब मुद्दों पे भी फोकस करता है। अब आता है बात ह्योगो और सेंडाई में फ़र्क की। देखिए 2004 में डिज़ास्टर का रिस्क रिडक्शन की एक फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क के तहत आया आपके सामने ह्योगो। तो ह्योगो आया 2005 से, क्योंकि 4 में ये बना था तो 5 में आ गया ह्योगो। ये चला 10 साल के लिए 2015 तक। 2015 में हमारे सामने आ गया सेंडाई। तो भाई ह्योगो क्या फोकस करता है, ह्योगो फोकस करता है लॉसेस पे, कि डिज़ास्टर के लॉस कैसे कम करें। लेकिन सेंडाई एक कदम आगे बाता है और उसमें फोकस आता है डिज़ास्टर के रिस्क कम करने पे, कैसे करके हम रिस्क ही कम कर दें तो लॉस तक हम पहुँचे ही नहीं। तो ये एक कदम आगे है उससे। उसके बाद ह्योगो जो है 5 प्रायोरिटी सेट करता है, जिसमें पहली दो फोकस करती है गवर्नेंस पे और रिस्क के आइडेंटिफिकेशन पे। फिर उसके बाद जो ह्योगो फोकस करता है वो फोकस करता है व्हाट पे, यानी कि क्या क्या है डिजास्टर, इसको समझो, कैसे इसका रिस्पांस किया जाए ये समझो। लेकिन सेंडाई जो है वो यहाँ पे भी आगे निकल गया और वो फोकस करता है कैसे पे, कैसे सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराया जाए, जिससे कि डिज़ास्टर से होने वाली नुकसान को आप कम से कम कर सकें। उसके अलावा ह्योगो से सभी चीज़ों को लेके, वहाँ से जो हमने चीज़ें सीखी उसको सीख के, फिर
संयुक्त राष्ट्र के मेंबर स्टेट ने मार्च 2015 में अडॉप्ट किया सेंडाय। सेंडाय अब हमारे पास 2030 तक के लिए है। चार प्रायोरिटी सेट करता है ये और फोकस करता है ये बिल्ड बैक बेटर और कहाँ पे रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि तीन आर हैं इसमें, तीन बी हैं इसमें, कि आपका एक बार आपदा आ चुकी हो तो वापस आप अच्छे से उसे टैकल करें और उसके बाद आप रिकवर अच्छे से हों, रिहैबिलिटेट करवाएं लोगों को और रिकंस्ट्रक्शन पर ध्यान दें जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है। 15 साल का है, वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है और स्टेट को इसमें प्राइमरी रोल लेना पड़ता है जिससे कि वो डिजास्टर से संबंधित सभी रिस्क को कम कर पाए और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को आपको जोड़ना पड़ता है, जो कि एक है स्टेट, एक है लोकल गवर्नमेंट और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है। लोकल में भी फिर उसके बाद आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, आप एनजीओ को इन्वॉल्व करें, तो आपके इस तरीके से ये दो ट्रायंगल में पूरा आप समअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने ये वाला सवाल डिस्कस किया। अगला और 19वां सवाल है डेटा सिक्योरिटी के बारे में। ये सवाल कह रहा है कि इन दिनों क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर जगह जो आप देख रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिजिटल मीडिया का प्रचार हो रहा है, तो ऐसे में आपके डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। इस चीज़ के लिए आपने एक कमेटी अपॉइंट की, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी, जिन्होंने रिपोर्ट में अपने डेटा की सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातें कही। आपको बताना है ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई इसमें कितनी प्लस बातें हुई और कितनी माइनस बातें हुई, यानी कि कितने तो इसके स्ट्रेंथ रही और कहाँ कहाँ इसकी वीकनेस और इसकी कमजोरियाँ रह गई जो ये अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाया। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप टैकल करेंगे। क्वेश्चन को मैं तोड़ लेता हूँ तो ये दो तीन भागों में टूट के सामने आता है कि भाई साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने दी अपनी रिपोर्ट, रिपोर्ट में आपको देखना है स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आप डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करके, फिर आप बताएंगे रिपोर्ट के बारे में, बोलेंगे रिपोर्ट क्या स्ट्रेंथ बताती है, क्या वीकनेस बताती है, उसके बाद डेटा जो सिक्योरिटी है क्या है ये चीज़, इसके बारे में बताता हूँ मैं। आजकल हो क्या रहा है, हर जगह डिजिटल मीडिया का बोलबाला है, तो ऐसे में जितनी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आती है, उतने ही वो कंसर्न्स अपने साथ में लाती है। तो कंसर्न क्या है कि कोई आदमी आपके कंप्यूटर पर एक्सेस ना कर ले, कोई डेटाबेस ना चुरा ले, कोई आपके वेबसाइट को हैक ना कर ले, कोई आपके डिजिटल इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ना चुरा ले, ये सब चीज़ों का खतरा है। तो इसी के तहत हमने ये कमेटी अपॉइंट की जिसने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इसने दो चीज़ें साथ में रखी, एक तो रखा ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल और एक खुद की रिपोर्ट थी जो डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर थी। रिपोर्ट की कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ नेगेटिव्स थे, यानी कि कुछ स्ट्रेंथ थी और कुछ वीकनेस थी, जो हम यहाँ पे समअप करते हैं। देखिए स्ट्रेंथ में तो क्या, सबसे पहले राइट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक आदमी के कुछ राइट्स बताए गए यहाँ पे। अगर किसी व्यक्ति को कोई अपना पर्सनल डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भेजना है तो उसके पास राइट टू कन्फर्मेशन है, यानी कि वो वहाँ पे जाके पता कर सकता है या फिर उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप क्यों मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, आपके पास मेरा डेटा पहुँच गया, इस सब चीज़ों की कन्फर्मेशन की राइट है। तो पहला हो गया कन्फर्मेशन। उसके अलावा राइट टू सीक करेक्शन, अगर कहीं पर आपका डेटा गलत है, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है या फिर अब आउट ऑफ डेट हो चुका है, आप उस जगह पर नहीं रहते जहाँ पर आपका डेटा आपको दर्शाता है, तो यहाँ पे आपके पास राइट ऑफ करेक्शन भी है, उसको सही करवाएं। पर्सनल डेटा अगर किसी और एक संस्था से दूसरी संस्था में जा रहा हो तो उसमें कई सारी कंडीशन है, उसको मीट करना पड़ेगा, उसी के बाद ही ये संभव हो सकता है। और इन फिड्यूशरी इंस्टीट्यूशंस पे, इन लीगल इंस्टीट्यूशंस पे कुछ ऑब्लिगेशन भी हैं जिसके तहत इनको किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा मैनेज करना होता है। फिर एक हमने संस्था एस्टैब्लिश की जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। करेगी क्या, हर आदमी के, हर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी ये और कोशिश करेगी कि उसका डेटा मिसयूज ना हो पाए और सभी तरीके से जो हमारा बिल है डेटा प्रोटेक्शन बिल, उससे चीज़ें कंप्लाई करें, उससे कोई भी चीज़ आगे ना जाए, कोई भी चीज़ उसके विरोध में ना जाए। फिर हम देखते हैं क्या ग्राउंड्स रखे गए। देखिए सबसे पहले तो कंसेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी का पर्सनल डेटा यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे आप बिना परमिशन के भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर पार्लियामेंट का कोई फंक्शन अटक रहा हो या फिर विधानसभा का कोई फंक्शन अटक रहा हो, अगर कोर्ट का जजमेंट कहीं अटक रहा हो, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और आपका डेटा की ज़रूरत हो तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको भारत के बाहर किसी डेटा को भेजना है तो उसके पहले
कुछ कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ेंगी। दो ही केस में ये संभव है, एक तो जब आपकी केंद्र सरकार कहती हो कि भाई ये डेटा का ट्रांसफर ज़रूरी है, और दूसरी बात जब ये अथॉरिटी आपकी अप्रूव करती हो, हाँ सिचुएशन ऐसी है कि इसमें हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये पर्सनल डेटा भेजना ही पड़ेगा। समझ लीजिए आप बाहर कहीं पे मलेशिया में या फिर कहीं म्यांमार में आप कोई ऑपरेशन कराने गए, वहाँ पे आप ऑपरेशन करा रहे हैं, उस दौरान डॉक्टर को कोई डेटा की रिक्वायरमेंट हुई कि भाई आपको पहले कौन सी बीमारी रही हुई है जिससे वो आपके इलाज में कोई कमी ना छोड़े, तो वो सरकार से बोलेगा कि प्लीज़ मेरे को डेटा चाहिए। अगर सरकार को लगा हाँ सही है डेटा जाना चाहिए, तो वो पर्सनल डेटा आपके पास भेज देगा। भाई ये थी अच्छी बातें, अब आती हैं खराब बातें। सबसे पहले वीकनेस, तो वीकनेस में क्या है, एग्जेम्पशन। कुछ ऐसे एग्जेम्पशन हैं जिसके तहत आपका पर्सनल डेटा यूज़ करा जा सकता है, जैसे कि अगर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए हो, प्रिवेंशन के लिए हो, इन्वेस्टिगेट करना हो, या कोई जनरल पर्पस हो, तो इसमें आपका कंसेंट वंसेंट की कोई बात नहीं है, सीधी तरीके से एग्जेम्प्टेड हैं ये चीज़ें। तो इन केसेस में आपके डेटा को मिसयूज़ भी किया जा सकता है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दी गई है भाई। उसके बाद ऑफेंस और पेनल्टी इतनी भर भर के लगाई गई हैं कि ऐसा बोला गया है अगर किसी ने आपके डेटा की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ की तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक क्रिमिनल ऑफेंस, जो कि एक इसका बड़ा फॉलआउट है कि भाई इतनी सी चीज़ को तुम क्रिमिनल ऑफेंस बना रहे हो, उस पर बहुत हैवी पेनल्टी लगाई गई है। और पेनल्टी में भी ये जान को आपको आश्चर्य होगा कि प्राइवेट पे तो बहुत ज़्यादा भारी पेनल्टी लगाई गई है, अगर स्टेट से या फिर किसी सरकारी एजेंसी से कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर उस पर कंपेरेटिवली कम पेनल्टी है। तो भाई ये आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, और बहुत सारे एक्ट्स में 50 से ज़्यादा करीब अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया है, तो 50 से ज़्यादा अमेंडमेंट करना फीजेबल ही नहीं है, कहाँ से होंगे। हैवी पेनल्टीज लगाई गई हैं प्राइवेट पे, तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट 50 करीब प्रपोज किए गए हैं, और बहुत सारे लॉ को डाइल्यूट करने की बात करता है, जैसे कि आरटीआई और आधार। आपको पता है आरटीआई जो एक्ट है वो इसीलिए आया था जिससे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान आराम से हो सके, लेकिन ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जो ये ड्राफ्ट बिल आया है, ये कहता है भाई बहुत सारे इसमें से इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं जानी चाहिए। तो मतलब ये आरटीआई को एज अ कॉन्सेप्ट ही कमज़ोर बना रहा है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई तुमने बहुत ज़बरदस्त वायलेशन लगाए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया, ये ठीक नहीं है, फाइन थोड़ा कम होना चाहिए। उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंपनीज लगेगी, कैसे, कंपनी को कहा गया है तुम एक तो फाइल मेंटेन ही करो और एक एक्स्ट्रा फाइल मेंटेन करो जिससे किसी का पर्सनल डेटा खोए नहीं, तो ये जो एक्स्ट्रा फाइल कंपनी को मेंटेन करनी पड़ेगी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। आप अगर अपना डेटा क्लाउड में मेंटेन कर रहे हैं तो आपको क्लाउड खरीदना पड़ेगा, आप कहीं हार्ड डिस्क में मेंटेन कर रहे हैं तो आपको हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, मतलब ये आपके एडिशनल कॉस्ट इम्पोज करता है। फिर सेंसिटिव डेटा जो है वो क्लासिफाई कुछ अजीब तरीके से किया गया है, फाइनेंशियल जो भी डेटा है उसको बोल दिया गया ये है हमारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा। अब अगर इस फाइनेंशियल डेटा को इसी तरीके से क्लासिफाई किया गया, तो अगर इन केस किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई डेटा आपका इधर से उधर भेजना हो, तो उसको तो हम सेंसिटिव डेटा मान रहे हैं, तो उसके तहत हम लोगों को बहुत सारे प्रावधान लगाने पड़ेंगे इसको पास कराने के लिए। तो यानी इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज को ये तो कम कर रहा है। ये थे वीकनेस, इससे पहले आपने देखे एडवांटेजेस यानी कि स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन पूरी तरह आपने एड्रेस करा। अगला और आज का आखिरी सवाल है दोस्तों कि भारत जो है उसकी प्रॉक्सिमिटी है दुनिया के सबसे बड़े दो ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स के साथ, तो ये भारत के इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और ज़्यादा बढ़ा देता है। आपको ये लिंकेजेस बताने हैं कि अगर ड्रग की जो है ट्रैफिकिंग बड़ी इंक्रीज हुई तो आपके कुछ और इलिसिट एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हो जाती हैं, जैसे कि ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग होने लगती है, जैसे कि आर्म्स की ट्रैफिकिंग होने लगती है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग होने लगती है, और पैसा आपका टेरर फाइनेंसिंग या कहीं और जाने लगता है। तो आपको ये लिंकेज जो मैंने बताया है ये एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, और बताना है भारत को क्या काउंटर मेजर्स लेने चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए। एक्सप्लेन आपका कीवर्ड है, तो आपको डिटेल सोल्यूशन देना है। मैंने क्वेश्चन को तोड़ के आपके सामने समझा दिया। अब भाई इंडिया का सिनेरियो, तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें, ये जो भारत है इसके दोनों तरफ दो ओपियम यानी अफीम उगाने वाले स्टेट्स हैं, ये पूरे ट्रायंगल और क्रेसेंट बने हुए हैं। अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो ये देखिए इसको कहते हैं हम गोल्डन क्रेसेंट, क्रेसेंट
क्रेसेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो चांद के जैसी आकृति है। चांद की इस आकृति को हम बोलते हैं क्रेसेंट। इसमें तीन स्टेट्स आते हैं, मतलब तीन कंट्रीज आते हैं, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। अगर हम बात करें गोल्डन ट्रायंगल की, तो ये भारत के पूर्वी दिशा में है और इसमें चार कंट्रीज बेसिकली आती हैं, बर्मा, वियतनाम, लेओस और कंबोडिया। अब देखिए, भारत जो है इनके दोनों के बीच में पड़ता है। भाई बीच में पड़ने की वजह से समस्या ये है, अगर यहाँ से कोई अफीम की ट्रैफिकिंग हो, उसकी तस्करी हो, तो ये भारत में तुरंत आ जाएगी। कोई यहाँ से हो तो भारत में तुरंत आ जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो भारत में आ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाना हो तो भी भारत में आएगी। तो यानी कि भारत बीच में पड़ रहा है, तो हर एक चीज़ भारत से होके निकलेगी, तो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को ये अफेक्ट करेगी, वो आपको यहाँ पे बताना है। और भारत ने क्या काउंटर मेजर्स लिए हैं इसको टैकल करने के लिए, ये बताना है। तो देखिए, भारत की प्रॉक्सिमिटी है, दोनों चीज़ें मैंने बता दी, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल। उसके अलावा देखिए, ये जो दो टर्म्स हैं इसको आप अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एज इट इज़ टर्म है, गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिए। फिर क्या है, इसी वजह से भारत की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। दोनों ही एरिया में अगर इधर से उधर कुछ भी होगा ट्रैफिकिंग, तो भारत बीच में पड़ेगा और इसी के चलते और चीज़ों की भी ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है। ह्यूमन की पैसा आता है वो लॉन्ड्रिंग होता है, और गन की इधर से उधर ट्रैफिकिंग भी बढ़ जाती है। आर्म्स के आने से क्या हो सकता है, टेररिस्ट को और ज़्यादा आसान वेज मिल सकती है आर्म्स अक्वायर करने की। जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने समूह बना लेते हैं और वो इधर से इधर और इधर से इधर करते हैं। क्योंकि बीच में भारत पड़ता है, तो उसमें समूह का होना निश्चित है, तो ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। तीन मेन रूट्स होते हैं और तीन मेन वजह हैं जिसकी वजह से भारत ज़्यादा खतरे में है। पहला तो ईस्टर्न बॉर्डर, जो आपका ईस्टर्न बॉर्डर है, यानी कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला बॉर्डर है, देखिए ये बहुत पोरस है, आसानी से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी ऐसी NSCN और ऐसे नक्सलवादी ग्रुप हैं, ये संगठन आराम से म्यांमार में घुस जाते हैं और वहाँ पे शरण ले लेते हैं, जिससे भारत इन पे अटैक नहीं कर पाता और ये बच जाते हैं। जब ये संगठन इतनी आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, तो बाहर से कोई ड्रग यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तो ईस्ट बॉर्डर है वो पोरस है, जिसके चलते बहुत खतरा हमारे बढ़ जाता है। यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खतरा बढ़ जाता है, नक्सलवादियों का भी खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा वेस्टर्न बॉर्डर है जो पाकिस्तान वाला, उसमें इतने ज़्यादा टफ टेरेन है, कहीं रेत है, कहीं बहुत पत्थर हैं, कहीं पहाड़ हैं, तो उसमें फेंसिंग होना संभव नहीं है, फेंसिंग नहीं हो सकती। इसीलिए पाकिस्तान एक रूट बन जाता है, जिससे हमारे यहाँ अफीम या फिर और कोई आप ड्रग पकड़ें तो वो आ सके। और अगर ये ड्रग आएगी, इसके साथ हथियार भी आ सकते हैं, अगर हथियार आएंगे तो हथियार टेररिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे जो टेररिस्ट हैं वो अटैक कहीं भी कॉज कर सकते हैं, मतलब भारत को खतरा है। फिर सी रूट को पकड़ें, तो सी रूट भी बहुत खतरनाक है। आपको मालूम है 26/11 वाला जो मुंबई अटैक हुआ था, उसमें जो टेररिस्ट हैं वो समुद्र से ही आए थे, और ये इसीलिए इतना है क्योंकि भारत की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। ये पूरा एरिया जो है भारत का, ये वल्नरेबल है, यहाँ पर कहीं भी आप नाव के जरिए आ सकते हैं और उससे ड्रग ट्रैफिक भी हो सकते हैं, इनफैक्ट होते ही हैं, और यहाँ से टेररिस्ट भी भारत में घुस सकते हैं। पैसे की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन, ये आज बहुत प्रेविलेंट हैं, और इनके चलते इन सब चीज़ों को अच्छे से फाइनेंस मिलता है। फाइनेंस मिलने से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं। भाई जो आदमी ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, उसके पास हथियार पहुंचा दिए, पैसा पहुंचा दिया, अब उसे किस चीज़ का डर, वो एकदम सुरक्षित हो गया हर एक चीज़ से। अब काउंटर मेजर्स की बात करें, तो भारत ने कोऑर्डिनेशन स्थापित किया है, जो इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन बनाया है। अगर कहीं भी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इस तरीके की गतिविधि हो रही है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, तुरंत ये यहाँ रिपोर्ट करेगा, तुरंत ये यहाँ रिपोर्ट करेगा, और तुरंत ये सैनिक भेज पाएगा। तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बहुत तेज़ किया है। हमने कोशिश की है कि करप्शन जो बॉर्डर पे है उसको रोका जा सके, क्योंकि अगर वहीं पर करप्शन होगा तो फिर इन चीज़ को रोकना असंभव हो जाएगा। तो ये हमने पूरी कोशिश की है ड्रग को रोकने की, उनको उसके ट्रैफिकिंग को रोकने की हमने बहुत कोशिश की है। हमने अलग अलग लॉज लगाए हैं और हमने बहुत स्ट्रिंजेंटली उनको इम्प्लीमेंट भी करवाया है। फिर बात करते हैं हम लोग कुछ एजेंसीज की, जैसे कि यहाँ पे एजेंसी, यहाँ पे मैंने लिखी है SDOMD, ये ड्रग के लिए देखने के लिए संस्था है। इसको और अच्छा बनाना चाहिए, कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए कैसे पकड़ा जा सके, कैसे डिफिकल्ट टेरेन में जाके आप इन चीज़ों को रोक पाएँ।
सबसे ज़रूरी है कोऑपरेशन। आपको इसमें अपने नेबर्स का कोऑपरेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। भारत ऐसे एंगल पे है कि भाई भारत को बहुत डर है इन चीज़ों का, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप म्यांमार से कोऑपरेट करें, आप अफगानिस्तान से कोऑपरेट करें, पाकिस्तान अगर करे तो उससे भी आप कोऑपरेट करें, जिससे कि इन चीज़ों को आप रोक पाएं, क्योंकि इनकी जड़ तो वहीं पे है। ये आप जब तक जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के भारत को एक कोऑर्डिनेटेड, एक सोचा समझा हुआ और सबको साथ में मिला के ले चलने वाला एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ हद तक इस चीज़ को रोक पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने इसके सभी पहलुओं को देखा। आज हमने ये अपना 20वां सवाल भी ख़त्म कर लिया। 2018 के GS3 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग एथिक्स के मॉड्यूल शुरू करेंगे। 2013 से शुरू करके 18 तक फटाफट सब निपटा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इन लेक्चर से सीखने को मिल रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और UPSC में आए हुए सवाल बहुत बार वापस रिपीट होते हैं, हम लगातार देख ही रहे हैं। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, अपनी आंसर राइटिंग को सुधारते रहें और उससे एक अच्छे आंसर लिखने की कला आप जल्दी ही एक्वायर कर पाएंगे। आप मेरे साथ इतनी देर बने रहे, आपने इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।